بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त कर सको, और अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सबसे खबरदार है। सदक अल्लाहुल अलीउल अजीम। सूरह हुजरात की 13वीं आयत आपके सामने पेश की गई। तमाम हाजरीन, तमाम नाजरीन, सब देखने वालों को जहां जहां भी पीटीवी की लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से पीटीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। कारी मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज में हमेशा आप तलावत कलाम पाक पेश करते हैं। जज़ाकल्ला, खुश रहिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। नाज़रीन गिरामी, अभी जो आपने आपके सामने तलावत कलाम पाक पेश की गई, इसमें
अगर आपने गौर किया तर्जुमे में तो रब ताला ने मुझसे आपसे एक बात कही यहाँ पे कि तुम में से ज्यादा बेहतर वो है जो ज्यादा परहेजगार है। यकीनन जब हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा सुनते हैं जो हजतुल विदा के मौके पर, तो वो जुमले याद आते हैं कि किसी अरबी को अजमी पर फौकियत हासिल नहीं है, किसी काले को गोरे पर फौकियत हासिल नहीं है, या किसी गोरे को काले पर फौकियत हासिल नहीं है, किसी आका को ग़ुलाम पर फौकियत हासिल नहीं है। हाँ, अगर किसी को फौकियत हासिल हो सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ परहेजगारी की वजह से हो सकती है। रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और उसका मफहूम ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में तुम जानते हो कि ज़्यादा लोग कौन से दाखिल होंगे? वो लोग जो तकवा इख्तियार करते होंगे और जिनका अखलाक अच्छा होगा। नाज़रीन गिरामी, हमारा आज का टॉपिक भी तकवे से रिलेटेड ही रहेगा कि तकवा क्या है। जब मैं और आप तकवा इख्तियार करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इमाम अली करम अल वजह का एक कॉल मुझे याद आता है, कहते हैं कि तकवा की इमारत चार सतूनों पर कायम है। सबसे पहला सतून यह है कि आप अल्लाह से खौफ खाइए, यानी कि आप हमेशा हमेशा जो भी दुनिया में काम करें अपने रब को अल्लाह को याद करके करें, हमेशा उससे डर के तमाम काम करें। दूसरा सतून ये कि अपने आमाल रब ताला को राज़ी करने के लिए करें, यानी जो आमाल आपके रब ने आपको अहकामात के तौर पे बताए हैं आप उन आमाल पर अमल कीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। तीसरा सतून ये कि आप कनात कीजिए, यानी जो आपके रब ने आपको नवाज दिया, जो आपके अल्लाह ने आपको दे दिया, आप उस पर कनात कीजिए, आप रब की शुक्रगुजारी कीजिए और रब के कामों से, रब ने जो आपके साथ किया उस पर राज़ी हो जाइए। चौथा ये कि आखिरत की फिक्र कीजिए, यानी कि आपने इस दुनिया से निकल के अगली दुनिया में जब दाखिल होना है तो किस तरह से रब ताला का सामना करना है। तो ये नाज़रीन वो चार सतून हैं जिसके बारे में हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने हमें आपको सबको बताया, जो तकवा के चार सतून हैं। एक और वाक़या नाज़रीन गिरामी मुझे याद आता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, कि आपने हज़रत काब से पूछा कि ये बताइए कि तकवा क्या है। तो हज़रत काब ने कहा कि जब तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और अगर रास्ते में ढेरों ढेर कांटे हों, पत्थर हो, गंद हो, तो तुम क्या करोगे? आपने कहा कि यकीनन मैं अपना दामन बचा के उस रास्ते से गुजरूंगा। तो हज़रत काब ने कहा कि यही तो तकवा है कि जब आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप हर तरह की बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से इज्तनाब कीजिए और बचने की कोशिश कीजिए हर तरह के गुनाह से। नाज़रीन गिरामी, यही तकवा है। और मुझे और आपको किस तरह से तकवा इख्तियार करना है ये हमें देखना है, ये सोचना है कि रब ताला को राज़ी करने के लिए तकवा कितना ज़रूरी है। बेमिसाल जो हमारे आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ हैं हमारे दीन इस्लाम में, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लीजिए, आयमा अहले बैत को ले लीजिए, अस्हाबा कराम को ले लीजिए, तबा ताबईन को ले लीजिए, सूफिया जो बुज़ुर्ग हैं उनको ले लीजिए। तो जब हम इन बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम लेते हैं और इनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी इस दुनिया से रुखसत होने तक एक काम सब ने किया और वो ये काम था कि रब को राज़ी कैसे करना और हर मौका पर, हर जगह पर बचना कैसे है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक वाक्या मेरे जहन में आता है, जब बहुत नमाज पढ़ते थे, इबादत गुजार थे और एक दिन शैतान आया तो उसने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जलानी, तुम्हारे इल्म की वजह से रब ताला ने तुम्हें नमाज माफ़ कर दी। तो आपने आउज़ बिल्लाह पढ़ा, शैतान मर्दूद को वहाँ से भगाया और ये कहा कि तू यकीनन शैतान है, नमाज तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी लाजिम थी, तो मुझे नमाज कैसे माफ़ हो सकती है, और दूसरा मेरा तो इल्म कुछ है ही नहीं, सारा इल्म रब ताला का है। तो जनाब, बहुत
सी मिसालें इस तरह की हमारे सामने मौजूद हैं। हम अपने प्रोग्राम में आज जब उलमा कराम आएंगे उनसे ये बात तो ज़रूर पूछेंगे कि हम बहुत सी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहते हैं लेकिन कुछ आदात ऐसी होती हैं जो आपके अंदर पक्की हो चुकी होती हैं, उनको छोड़ना उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हम ये पूछेंगे अपने उलमा से कि हम अच्छी आदतें कैसे अपनाएं और बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। तो जनाब आगे बढ़ेंगे और हमारी होस्ट हैं उनको यहाँ दावत देंगे। आप वेलकम कीजिए राबिया अनम को। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एहसन आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात देखी जा रही है, मेरी तमाम बहनों को, माओं को, मेरे बुज़ुर्ग भाई, जितने लोग मौजूद हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर में हों, किसी भी छोटे बड़े गाँव देहात में हों, पाकिस्तान के किसी भी गली कूचे, किसी भी कोने में हों, आप सबको या पाकिस्तान से बाहर जिन ममालिक में ट्रांसमिशन देखी जा रही है या फिर हमारी YouTube लाइव जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू देखी जा रही है, आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे आपने इतनी खूबसूरती से बयान किया तकवा जो कि बेस है हमारे इस रोजे की, दीन की भी और फिर रोजे की भी, कि हम पर ये फर्ज इसलिए किया क्योंकि हम तकवा करें। वाज़ह अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया। और ऐसा नहीं है कि दीन इस्लाम से पहले या दूसरे अंबिया कराम के दौर में रोज़े नहीं थे, रोज़े वहाँ भी थे, उन्होंने भी हमेशा रोज़े रखे, लेकिन दीन इस्लाम ने रोज़े को जो रंग दिया कि एक तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की बात है कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए हम लोग जो कच्ची पक्की इबादतें करते हैं, क्या अल्लाह को हमारी इबादतों की ज़रूरत है? अल्लाह ताला के पास खरबों और उससे भी ज़्यादा ला तादाद मैं तो कहूँगी फरिश्ते हैं जो हर लम्हे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते हैं। फरिश्ते ही नहीं, तमाम मखलूकात जो हैं वो रब ताला की तारीफ करते हैं। बल्कि वो हजरत यूनुस अलैहि सलाम का जो वाकया है कि जब वो मछली के पेट में थे तो उन्होंने देखा कि जो कंकरियाँ हैं वो भी अल्लाह ताला की जो है वो नाम ले रही हैं, तस्बीह पढ़ रही हैं, जो मछलियाँ हैं पानी की तह में भी जो भी जिंदगी जिस चीज़ को भी मिली है वो अल्लाह ताला की तस्बीह में मसरूफ है। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला को हमारी इन कच्ची पक्की इबादतों की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये हम पर फ़र्ज हैं तो हमने करनी है। जिस अमल की ज़रूरत है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह ने कहा कि अगर तुम झूठ बोलना ना छोड़ो और लग्व काम करना बंद ना करो तो तुम्हारी भूख और प्यास अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। यानी ये रोजे हमारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। बेशक, और ये कुरान में भी है कि नमाज में मार दी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम वो काम, हमें जो हलाल काम है उससे भी कुछ दौरानिए के लिए हमें उससे भी रोका गया है ना, कि हम खाना नहीं खा सकते जो हलाल है, पानी नहीं पी सकते हलाल है। उसकी लॉजिक या उसकी समझ एक ये भी है कि जब हम हलाल काम छोड़ेंगे तो हराम तो लाजमी छोड़ना है। जब हम अल्लाह की मोहब्बत में उन चीज़ों से दूर हो रहे हैं जिसकी हमें पूरा साल इजाज़त होती है, जब हम अल्लाह के अहकाम को मानते हुए हलाल काम छोड़ रहे हैं तो हराम ना छोड़ने की क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल, और वो तो तरबियत में ऐसे है कि सारी जिंदगी आपको उससे बचने की कोशिश करनी है। अब राबिया, चूंकि हम जाहिर है जैसे आपने कहा कि हम इंसान हैं और कहा यह जाता है कि इंसान गलती का पुतला है, लेकिन रब ताला को ये बहुत पसंद है क्योंकि वो साफ क्लियर लफ्जों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अमलों का दारोमदार नियत पर है। तो रब ताला आपकी नियत देखता है कि क्या आप बेहतर बनना चाहते हैं, क्या आप पिछले जो आप थे आपने ज़िंदगी गुजारी उससे अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, क्या आपकी कोशिश है कि आपने रब को रसूल खुदा को राज़ी करना चाहते हैं, क्या आप वाक़ियतन दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। और यही तकवा है, यही कोशिश है, यही हिदायत है जो सारी ज़िंदगी हम कोशिश करते रहेंगे। रमज़ान का जिस तरह से आपने कहा यही दर्स भी है रमज़ान का कि हमें बचना चाहिए और बचने की कोशिश भी करनी है। और ऐसे हमेशा कहते हैं ये तो ट्रेनिंग कैंप है, हम दोनों के लिए भी होता है और हम सब के लिए तरबियती कैंप है जिससे हमें इंशाल्लाह सफल होकर निकलना है, जीत कर निकलना है। और वो आदतें जो हम इस माह मुबारक में अपना रहे हैं उसे अपनी जिंदगी का बाकायदा हिस्सा इंशाल्लाह बना लेना है। बाकायदा आगाज हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन का होता है कलाम से, और यशवीन अजमल शेख, उनके साथ राबिया, अलाइका, हिबा, निमरा और सहरिश मौजूद हैं।
कलाम से आगाज। कलाम से पहले मैं एक अगर सवाल, मैं लोग बहुत से सवाल हमें बहुत करते हैं और इंस्टाग्राम पे और बार बार, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जब मैं आजकल खोलता हूँ मैसेजेस खान एहसन ऑफिशियल पे, तो बहुत से सवाल आते थे रमज़ान से रिलेटेड। फेसबुक पे भी मेरे पेज पे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो है वो बार बार ये पूछती हैं कि जो यशवीन अबाया कहाँ से लेती हैं ये। अब हम रोज़ बताते हैं, मैं उनको सबको लिख नहीं सकता, मैं चाहता हूँ ऑन एयर बता दीजिए सब लड़कियाँ क्या पहन, मतलब कहाँ से लेके पहनती हैं? ब्लैक कैमल्स के अबाये, ब्लैक कैमल के, और वो नीचे नाम लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो वो ये जो पूरा हेड गेयर और ये सारा कुछ, वो एक एक चीज की डिटेल, मैंने उन्हें बोला आप राबिया से पूछ लीजिए या यशवीन से डायरेक्ट पूछ लीजिए, तो इसलिए जरूरी उनको बताना। यशवीन का भी इंस्टाग्राम है यशवीन अजमल शेख, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये तो रमजान के अलावा बहुत सारे कलाम अपने यूट्यूब पर मैं देखती रहती हूँ, उनके सारे कलाम माशाल्लाह। तो और ये सारी बच्चियां बहुत मेहनत कर रही है अपना नाम बनाने की, भरपूर कोशिश कर रही है, अल्लाह ताला से मेरी भी दुआ है कि जिस काम में ये लगी हुई हैं अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे इंशाल्लाह। कलाम बिस्मिल्लाह। मित्रा दी बदेरी ये क्यों
क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और ये आज आई थिंक हमारी ट्रांसमिशन में हमने पहली बार ये कलाम पढ़ा है। पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले लास्ट टाइम पिछली बार। अच्छा, बड़ा खूबसूरत तैयार करवाया है, बहुत प्यारा है। यशवीन, ये जो एक सेकंड जो शेर था, जरा ये आप मुझे पढ़ के सुनाइए। चंद्र बदर शाह शानी है, पढ़ के सुनाइए। मुख चंद्र बदर शाह शानी है, मुख चंद्र बदर कलाम है। और रसूल खुदा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जी। और शायद भाई आपने बहुत खूबसूरत तैयारी कराई है, हमेशा की तरह रोजाना जो है ना माशाल्लाह, ऐसे एक ऐसा कलाम पेश किया जा रहा है। और ये बड़ा मशहूर कलाम है, आपने पीर मेहर अली शाह और उनके जितने भी आप गोलड़ा शरीफ वाले जो उनके जितने भी जी, बहुत ज्यादा आप जब पढ़ते हैं तो आपको असलियत महसूस हो जाती है एकदम से। अब आपने पढ़ा है तो वाकईतन, हालांकि सिंपल लफ्ज हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो एक इमेज हमारी आंखों में सबके बना होता है और जो उनसे मोहब्बत है वो बिल्कुल सामने आ जाती है। तो क्या ही खूबसूरत तरीका है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारी ये रूहानियत में ये कलाम जो है ये इजाफा करते हैं। जनाब एक ब्रेक का वक्त हुआ है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आपकी ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं रमजान पाकिस्तान, जो कि आपकी ट्रांसमिशन आप लाइव देख रहे हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं वासिल भाई एंड समिया, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। आज तो आप कोई कलर कोऑर्डिनेशन की इंतहा पर चले गए, देख रहे हैं आप। वैसे ये रोज हो रहा है कुछ, जरा इधर आए आप ताकि तीनों को एक फ्रेम में ला सके, देखें जरा तीन बहन क्या भाई। बात है, ये तो कमाल कलर कोऑर्डिनेशन हो गई, क्या बात है। कल जो हमने आपने पिंक पहना तो मुझे ये लगा कि मैं पिंक से मिलता जुलता कुछ पहन के, लेकिन जब मैंने ऑन एयर देखा रविया तो मुझे लग रहा था मैंने आपका जोड़ा सेम पहना हुआ है, बिल्कुल कलर एक जैसा आ रहा है, असल में कुछ और है, लेकिन ऑब्वियसली जब लाइट्स पड़ती है तो कलर भी थोड़ा, बट माशाल्लाह आप अच्छा कैरी करते हैं तो अच्छी बात है कि आप इस तरह के कलर। लाइक इट टू बी ऑनेस्ट, आई डिड, इट्स नॉट माय टाइप ऑफ, आई नेवर, मैंने कभी नहीं पहना ऐसा, बहुत अच्छा कलर। खैर एनीवे, था आज मैंने किस, मैं आपको बता, मैंने आज अपने हमारे शाहजी के साथ कोऑर्डिनेट किया है। अच्छा, और यशवीन ने भी। और ये किस ब्रांड के कपड़े हैं? ये पंजनत जे डॉट। अच्छा जबरदस्त, रोजाना पंजना और जे डॉट के कपड़े और लोगों के शूज, और लोगों के शूज, बिल्कुल क्या बात है जनाब। तो लोगों के नहीं, लोगों के नहीं, लोगों के शूज है। अच्छा जी वासिल भाई, आज आप क्या लिख रहे हैं? अस्कुरुनी अस्कुरुकुम। अच्छा, इंशाल्लाह। और इसकी क्या आपके पीछ, अस्कुरुनी क्या इसके पीछे आपकी है लॉजिक और खास? जिक्र से जी, जिक्र करना ये बहुत अहम होता है सूफिया काम के। हाँ, एक रवायत है कि जो दम गाफल सो दम काफर, यानी कि गफलत की एक घड़ी अगर गुजर जाए तो उसके मुकाबले 100 घड़ियां फिर भी आपकी कुफर की हैं, आपने उस घड़ी में अल्लाह की जो दी नेमत है जिंदगी उसका इनकार कर दिया। अच्छा, तो जिक्र करना इतना जरूरी है। एक और ऐसे कहावत है, वो कहते हैं कि दिल जो है वो दिल यावर
लिखते हाथ कारवार, यानी हाथ आप काम करते हैं लेकिन दिल हमेशा उसकी याद में क्या है। क्या बात। और कभी हम गौर करें ना तो हमारे जो दिल की धड़कन है ना, ये अल्लाह का जिक्र ही है। लेकिन बात तवज्जो की है कि अगर आप तवज्जो में रहेंगे तो अगर फोकस अपना यस वो कलब में हो, अल्लाह की याद में रहे और ये इबादत है। अच्छा, और वास्तव में ये भी कहते हैं सूफिया किराम, ये भी कहते हैं कि कोई सांस, जैसे हम अंदर और बाहर, ये दो जो हमारे अंदर सांस लिया इसमें भी अल्लाह को याद करें, जो बाहर सांस लिया उसमें भी अपने रब को हर वक्त याद करें। और एक बात तो तय है कि सूफिया किराम की जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हम इमाम अली का नाम जहन में आता है, जो इनको मोहर लगाते हैं, ऐसा ये वासिफ भाई प्लीज बताइएगा जरा इसके बारे में। असल में तसव्वुफ के जितने सलासल हैं वो तकरीबन सभी हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु आपसे जाकर मिलते हैं, जितने भी हैं आप सिलसिला कादिया देखें, नौशाही कादी देखें, जितने भी सूफिया के सलासल हैं ना वो आप तक जाकर मिलते हैं। तो खताती भी मैं समझता हूँ ऐसे ही एक तसव्वुफ का रूहानी सिलसिला है जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आप तक जाकर मिलता है। माशाल्लाह, तो इमाम अली की बात, जिक्र इलाही भी हो गए, इमाम अली की बात आपने जो जिक्र छेड़ दिया है, इनका तो नाम लेना ही हमारे लिए बाइस खैरो बरकत है। ऐसा बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं रोजाना, हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि जाहिर है वो जब हमारी बातें सुनने के लिए आए, तो आप चूंकि बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं तो आपसे आज भी बहुत अच्छा पढ़ा। राबिया का तो ये रिकॉर्ड है ये सारी जिंदगी के लिए कि पहला कलाम जो पेश किया वो आपके कहने वो मेरे कहने पे और पीटीवी के प्लेटफॉर्म पे पेश किया, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आप ट्रांसमिशन करिए आपके पास 5-7 कलाम। अच्छा, आज मैं चाह रही हूँ कि आप विर्द है दम दम अली अली। हाँ जी बिल्कुल, पढ़ ले कलाम बिल्कुल, आपको मैंने उस दिन पढ़ते हुए सुना, बिल्कुल चाहती हूँ कि वो आज आप पूरे पाकिस्तान के सामने पेश करें, आप भी हमारा साथ देंगे बिल्कुल। और मैंने कोरस की हमारी जो बच्चियां हैं बहुत प्यारी, इन्हें भी कहा है कि हमारे साथ आए, हम नीचे बैठ जाते हैं जरा, बिल्कुल बिल्कुल कवाली वाला माहौल है, बिल्कुल सही तो है, बिल्कुल सही है। आइए जी बिस्मिल्लाह, जहां बैठना है बैठ जाओ, उधर चले जाओ, एहसन भाई की उस तरफ चले जाओ, ठीक है जी। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। एक विरद है दम दम अली अली, एक विरद है दम दम अली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त जमलंगा तू अली 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 आखी जमलंगा, आखी जमलंगा तू अली 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 आखी जमलंगा, आखी जमलंगा सारे आपे मन लैन गए, आज नहीं तो कल सारे अली अली कहन गए। मस्त 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 मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। दम दम अली अली, दम दम अली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। ना उचियां तेरिया पीरा होवन तू अनेरिया पीरा, आसा है तेरिया पीरा, सुन अरजाच मेरिया पीरा, एक विरद है
दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर एक विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त कलंदर मस्त मस्त क्या बात है जबरदस्त। मैं समझता हूँ राबिया ये जो जितने भी मैंने कलाम किए हैं पढ़े हैं इनके पीछे अमजद शाह साहब का हाथ है जो मैं यहाँ पे जरूरी मेंशन करना चाहूंगा। शाहिद नहीं, वो पूरे, शाहिद भाई हमारे सामने मौजूद है यहाँ पे। और फिर सबसे बढ़ के मुझे याद है फारूक भाई आते हैं इस्लामाबाद से जब ये शो ट्रांसमिशन शुरू हो रही होती है और वो बहुत फिक्रमंद रहते हैं तो उन्होंने मुझे बहुत मरतबा ये कहा कि आप पढ़ते क्यों नहीं है। और ये अमीन भाई भी पिछले 2-3 सालों से मुझे रेगुलर कह रहे थे कि आपको ऐसे जब आप आते हैं तो आप कलाम पढ़ते हैं जबरदस्त तो फिर इसलिए ये तो जरूरी है भाई। तालियां बजा दें हमारी इस पूरी टीम के लिए जो बहुत अप्रिशिएट भी करती है कोशिश भी करती है और ये एक फैमिली है पाकिस्तान टेलीविजन की। ये हमारे दोस्त हैं हमारे इस तरह के कॉलीग्स हैं जो हमारी फैमिली की तरह है एहसन और माशाल्लाह हमें हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। और यशफीन और टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने भले मेरा थोड़ा सा साथ दिया लेकिन साथ दिया इज्जत रख ली अचानक इनको मैंने एक्चुअली बताया नहीं हुआ था प्रैक्टिस के बगैर इनको बुला लिया। एक लाइन में से यशफीन आप पढ़ सकती हैं इसकी क्योंकि इनका है ना कवाली वाली आवाज। प्लीज पढ़े आपके साथ पढ़ूंगा मैं चलें। रब ने किन्ने शान बनाए लेकिन ये कलाम ऐसे हैं हाँ नहीं कलाम भी ऐसा है कि सिर्फ ये नहीं बहुत से कलाम के हमें सबको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है। क्या बात है। अच्छा जनाब किचन की जानिब बढ़ेंगे दिल तो बेचारा यहाँ से उठने का हाँ उठने का लेकिन आप बताएं क्या कर रहे हैं शुरू कर ले आज हम आपको तंग नहीं कर रहे आज हम अलग जोन में चले गए एहसन की वजह से बहुत अच्छा पढ़ा आप सब ने मिलके माशाल्लाह वेरी नाइस और सबसे पहले ये अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बनाएंगे इस आज की जो हमारी रेसिपी है दैट
is chicken momos with a dipping sauce. चलो मैं फिर आ जाती हूँ. Chicken momos? Momos. Chicken dumplings. Chicken dumplings. Chicken dumplings. Dumplings. Momos में क्या फर्क होता है? और भी एक नाम होता है. Yes, इनके सारे छोटे छोटे नाम डिफरेंस बेसिकली ये है कि कुछ चाइना में बने हैं तो उनकी कुछ नेबरिंग कंट्रीज में बने हैं, कुछ जो है वो स्टीम होते हैं, कुछ जो है वो हल्के से पैन सीयर्ड होते हैं. But I love the steamed ones. मुझे स्टीम मेरे फेवरेट है. अच्छा, हमने समिया और राबिया, हमने आज तक कभी यशवीन और इनकी टीम से नहीं पूछा कि ये लोग इनका फेवरेट खाना क्या. यशवीन क्या खाती है जब इफ्तार करती हो, तो क्या सबसे फेवरेट है खाना खाने में? दही बड़े अच्छे लगते हैं. दही बड़े हाँ, चाइनीज खाती है. और जब इफ्तार होता है तो दिल करता है कि चाइनीज सामने आ जाए. चाइनीज फूड ना, पूरा चाइनीज खा लेती हो. हाँ जी, आप बताओ. फ्रूट चाट, ये सबकी पसंद की. दो चीजें यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी हैं. और मेरी फेवरेट यही होती है कि दही बड़े खाना. दही बड़े खाना आपको? फ्रूट चाट, मिल्क शेक. अच्छा, ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मिल्क शेक हमेशा सही होता है. ये बिल्कुल बच्चों वाली है कि मिल्क शेक हो, मजेदार. बच्चे ही हैं, छोटे छोटे. बच्चे ही आपके सामने तो. थैंक यू जी, बिल्कुल मेरे बच्चे हैं. बाकी नो डाउट. बट देन आई फील दैट ना, ऐसे मेरी किसी बात पे बहुत खुश हो गए तो मैं एक जुगत मारने की कोशिश करती हूं कि ज्यादा नजर लग जाती है यार, है ना. सब वैसे ही हमें बहुत नजरें हैं बहुत लोगों की. मुझे नहीं पता किसकी नजर है. हमारी नजरें हैं बहुत लोगों पे. अच्छा, तो तय ये हुआ कि पकोड़े, दही बड़े और फ्रूट चाट और ये रोजों का, और ये हमारा नेशनल फूड है. जी जी. तो हर टेबल पे जब इफ्तार होता है तो ये एक दो चीजें होना जरूरी होती है. क्या बात है. तो ठीक है, आज जो डंपलिंग्स हैं, लेकिन हम मोमोज भी रखेंगे. लेकिन वो डंपलिंग्स और मोमोज हैं चाइनीज की फरमाइश. लोगों को ये भी बता दें कि असल में वो पकौड़ों जैसे होते हैं लेकिन जरा सॉफ्टर वर्जन ऑफ पकौड़े होते हैं. पकौड़े एक्चुअली डीप फ्राई होते हैं और ये रनी बैटर होता है. ये जो है बेसन में बनता है. ये जो है ये मैदा के साथ एक डो बनता है. इसका एक पूरा डो बनने के बाद फिर वो स्टीम होते हैं. देसी बात की ऐसे में होते ये पकोड़े ये नहीं बाइट्स ही होते हैं ऐसे बस कुछ भी. चिकन प्रूव कर दिया है कि उनको खाने का ही शौक है. स्टीम वाले फैशनेबल पकोड़े ना, न्यू वर्जन. फैशनेबल पकोड़े, न्यू वर्जन ऑफ पकोड़ा. समोसे जैसे होते हैं. समोसे की जो पट्टी है. समोसे कर लो, पैटीज कर लो. किसने आइडिया दिया था? ये किसने कहा था? खाना है जो भी कर लो. तो अब बना दो बस. बना देते हैं. बल्कि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे डालडा का ऑयल डालेंगे जो हमारे पास नीचे रखा हुआ है. अच्छा, नीचे वाला हमारे पास एक स्पेयर है. तो इसको हम लोग क्योंकि पैन में बनाएंगे, पैन में हल्का सा इसको फ्राई करके ताकि एक तरफ क्रिस्पी आए और फिर बाकी को काफी है. बिल्कुल थोड़ा सा डाल देंगे, इसको बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डाल देंगे क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो ओमेगा 3 और 6 में रिच है. और क्योंकि वो आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं तो इसलिए हम लोग डालडा को ही प्रेफर करते हैं. उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ पे हमारी चिकन रेडी है. चिकन को हम लोग बेसिकली इसको चॉपर में चला चुके हैं ताकि बिल्कुल ही टूटे ना है, सब एक ही जान बन जाए. ठीक है. और एज ऑलवेज हमारी हो जाए. यस, बट समिया पे हमारी वो तो मिंस्ड नहीं होता, मिंस्ड होता है, कीमा टाइप भी बनाया होता है. मिंस्ड जो है वो फिर भी पकाते वक्त जो है वो सेपरेट हो जाता है. इसको चॉपराइज करके एक ही उसको बनाती है. इट्स वेरी स्टिक्स टू ईच अदर. ठीक है. और एज ऑलवेज हमारी जो किचन जर्नी है वो पाम ऑलिव से स्टार्ट होगी. पाम ऑलिव के यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वेरिएशन रखे हुए हैं. पाम ऑलिव के साथ बेसिकली आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है, ड्राई नहीं होती है और जो स्किन की नेचुरल खूबसूरती रहती है, जो एक रेडियंस आती है, वो आपको पाम ऑलिव से ही मिलती है. ऑलराइट. उसके बाद फिर हम यहाँ पे डन. बाकी हमारी ड्रिंक भी बनेगी. रेसिपी बताते हैं. रेसिपी आ जाए हमारी स्क्रीन पे तो उसको भी पढ़ लेते हैं. डम्पलिंग्स विद डिपिंग सॉस के लिए मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, गरम पानी हस्बे ज़रूरत और डालडा का तेल 1 चाय का चम्मच. फिलिंग के लिए बोनलेस चिकन 150 ग्राम्स, प्याज 1 अदद, हरी प्याज 4 से 5 खाने के चम्मच, लहसुन 5 से 6 जवे. शाबाश. मैं इसलिए खड़ी हूँ बेटा. कॉर्नफ्लावर 1 से 1.5 खाने का चम्मच, नमक और काली मिर्च हर्ज में ज़रूरत, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच और डार्क सोया सॉस 1 खाने का चम्मच. और एसन किचन से बाहर. अच्छा, एक और भी है, डिपिंग सॉस. डिपिंग सॉस के लिए पानी 1/4 कप या फिर हस्बे ज़रूरत, चिली ऑयल 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, डार्क सोया अगर ज़रूरत हुई तो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ रंग देने के लिए होता है तो 1 खाने का चम्मच. तिल जो है वो 1 खाने का चम्मच या गार्निशिंग के लिए. हरी प्याज 2 चम्मच है. उसके बाद फिर लहसुन जो है वो भुना हुआ 1 चाय का चम्मच. भूडा लो. और उसके बाद यही तो चाहती है गोभी गार्निशिंग के लिए. भूडा लो, भूडा डालडा में. कोई बात नहीं, भूनो. ज्यादा हुआ, जितना भूनोगी वो उतनी खुशबू फैलेगी. अच्छा देखें, जब हम कलाम पढ़े थे, एक को विर्द है दम दम अली अली वाला, तो उस दौरान वासिल भाई क्या लिख रहे थे. ये कितने खूबसूरत अंदाज में
इन्होंने इमाम अली का नाम यहाँ पे लिखा है, क्या ही बात है वासिल भाई, आप तो फौरन फौरन चीजें करते हो, खूबसूरत है यार। माशाल्लाह। और ये तो आज ये मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा स्पेशल तोहफा है हमारे लिए। ये फ्रेम करवा के आपको देंगे जी। जी फ्रेम करवा के आप। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इनका ये साइड बिजनेस है फ्रेम। हर चीज पे कहते मैं ही फ्रेम। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की कि वासिल भाई जो है ना वो स्पिरिचुअली ना एकदम ज्वाइन इन करते हैं। जब आप इनसे कोई स्पिरिचुअल बात करें, कोई अच्छी बात करें, तो ये बड़ा लबैक कह के आगे बढ़ते हैं कि भाई अल्लाह की बात करें, अल्लाह वालों की बात कर रहे हैं, तो जबरदस्त ये साथ देते हैं हमारा। काम ही अल्लाह वालों का कर रहा है ना। वेरी नाइस। अच्छा जी, हमें ब्रेक पे भी जाना है। राबिया, आप बहुत बातें कर रही हैं आज। कि ये तो राबिया के होते ब्रेक लेना बहुत मुश्किल होता है। गार्निशिंग कर लेंगे यहाँ पे, अंदर सारी फिलिंग कर देंगे इसकी, और इसके बाद फिर ये हमारा रेडीमेड डो भी है। उसको हमें थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखा था, उसको बाद फिर उसको गूंदने के बाद फिर इसकी हमारी असेंबली स्टार्ट कर देंगे। डंपलिंग्स, मोमोस डन हो गए। अच्छा, आज मैं चाहता हूँ कि यशवीन और उनकी टीम जो है वो ब्रेक लें आज सारे, ठीक है, कि हम जाएंगे ब्रेक पे, कुछ ही देर में हाजिर होंगे। आप देखते रहिए रमजान पाकिस्तान, ये जुमले बोल और ये भी बोलते हैं कि आगे बढ़ते हैं, और गा के नहीं बोलना, नॉर्मल बोलना। नहीं नहीं, बोले गाकर बोले, गा के बोलने चले। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, हम जाएंगे ब्रेक पे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जा रहे। ना ना ना, हाँ ये तो हम भी जा सकते, सुर में जाइए। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं और हमारा सेगमेंट ये है नेकी का सेगमेंट। नाज़रीन गिरामी, हमारे पास एक फैमिली मौजूद है और फैमिली में बच्चे भी हैं, मियां बीवी भी हैं, यंग लोग हैं, और आप जानते हैं कि जब खुदा ना खास्ता अचानक किसी को कोई बीमारी हो जाए और उसके पास इलाज के पैसे भी ना हो और फिर उसके बाद उसका काम कारोबार सब कुछ सफ़र करे, जिस तरह से जब हम चैरिटी की बात करते हैं या किसी को सदका खैरात या कुछ मदद की हम बात करते हैं, तो उसमें हम सिर्फ एक शख्स को नहीं बचा रहे होते, अगर किसी बीमारी से बचाते हैं हम उनकी फैमिली को भी बचा रहे होते हैं, क्योंकि एक आदमी से उसकी पूरा ख़ानदान, पूरा कुंबा लिंक्ड होता है। या अगर एक खातून बीमार हो जाए उससे उसका शौहर, उसके बच्चे भी सफ़र करते हैं। तो लिहाजा हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब हम किसी की जान बचा रहे होते हैं, किसी की मदद कर रहे होते हैं, तो वो किसी एक शख्स की नहीं बल्कि एक पूरे कुंबे की मदद कर रहे होते हैं। इसी तरह की एक फैमिली यहाँ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे पास एक वीडियो है, हम पहले उनका वीडियो देख के उनके हालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मियां बीमार रहते हैं, वो मतलब कमा नहीं सकते, और मैं अपने चाहती हूँ कि वह मेरी बेटियाँ हैं, चार बेटियाँ हैं, मैं अपनी बेटियों को अपने घर में कोई काम खुलवा के दे दूँ, लेकिन मेरे पास इतना नहीं है कि मैं घर में बैठ के अपनी बेटियों को कोई काम खुलवा के दे सकूँ, क्योंकि इनके पापा भी कोई काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। घर के अंदर सिलाई मशीनें लगा के देना चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ खुद सिलाई करें, मेहनत करें, और मैं अपना घर चला सकूँ। मैं बस आप मेरे लिए इतना कर दें कि मेरी बच्चियों के लिए मशीनों का इंतज़ाम कोई कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं
अब ये फैमिली हमारे सामने है, आपने भी देखा इनका वीडियो देखा, और सबसे पहले स्क्रीन पे नंबर मैं चलाना चाहूँगा, और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी हमें लोग देखते हैं, मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के लोग तो हेल्प करते हैं लेकिन ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं जो हमें देख रहे होते हैं यूके में, यूएसए में, हर जगह, वो भी बहुत कुछ डोनेट करते हैं और बहुत लोगों की मदद करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसी फैमिली, ये साहब जो हैं यकीनन अपनी फैमिली को कमा के खिलाते थे, पालते थे। और मैं एक बात नाज़रीन आपसे करना ये चाहता हूँ, हम लोग बहुत आसानी से दूसरों को देख के ये भी सोच सकते हैं कि यार ये सही है, कुछ कोशिश करें तो हो जाता है। कभी कभी एक आदमी जो होता है ना, वो एक पूरे घर को संभाल कर रखे होता है, बेटियों को भी, अपनी बीवी को भी, बच्चों को भी, फूलों की तरह रखे होता है, और अगर वो बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो औरत को भी एट टाइम समझ नहीं आती कि मैं क्या काम करूं। मैंने तो ज़िंदगी में कभी घर से बाहर निकल के कोई काम नहीं किया, बिल तक जमा नहीं कराए, और फिर घर का काम करना, लोगों का, घर की सफाई करना, सिलाई कढ़ाई सीखना, तो ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ एक सिलसिला ऐसा है जो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए, अचानक अगर कोई नागहानी या मुसीबत आ जाए हमारे भाई के ऊपर। हमेशा अब कहा जाता है ना, और जो समझदार हमारी माएँ, हमारी खालाएँ हमेशा कहती थी कि बेशक लड़की के ऊपर लाजिम नहीं है कि वो जॉब करे, लेकिन अपनी बेटी को कोई हुनर ज़रूर सिखाओ, उसको तालीम दो, क्योंकि फ्यूचर का आपको कुछ नहीं पता, मुस्तकबिल में उसका क्या होगा, उसका जो जीवन साथी है क्या हमेशा अल्लाह ताला ने उसे सेहत वाला रखना है। दुआ हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर यकीन रख कर ये तो नहीं कर सकते कि जी बेटी को हमने कुछ नहीं सिखाना, पढ़ाना नहीं है, इसे तो घर संभालना है। ऐसे ऐसे हमने अपनी ज़िंदगी में सब ने केसेस देखे हैं कि जवानी में या तो खावन की मौत हो जाती है या कोई बीमारी ऐसी आ जाती है या हालात ऐसे हो जाते हैं कि दोनों को काम करना पड़ता है, और घर संभालने के, घर संभालने के लिए भी एक हुनर चाहिए, वरना आपसे कुछ भी मैनेज नहीं हो सकता। तालीम तरबियत जरूरी है, नस्ल जो आ गया उसको सिखा। और फिर आजकल जो हालात हैं हम देखते हैं दुनिया भर में, सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं बल्कि जो सिविलाइज्ड आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं वहाँ पे भी ख्वातीन बहुत सारा काम कर रही हैं। तो हम अपनी सोसाइटी में घरों से बहुत काम शुरू हो सकते हैं। अब तो ऑनलाइन काम का कोविड की वजह से ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने ऑनलाइन बच्चों के कपड़े बनाकर बेचना शुरू किए, ख्वातीन ने ड्रेसेस बना के बेचना शुरू किए, ज्वेलरी का काम शुरू हुआ, तमाम काम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो मैं हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे पहले ये पूछूंगा कि आपको बीमारी हुई कब और कैसे हुई, कुछ अंदाज़ा है ये बताइए मुझे प्लीज़। माइक खरीद कीजिएगा मेरे भाई। कम से कम मुझे 8 महीने पहले तबीयत मेरी ख़राब हुई, तो मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, तो उन्होंने मेरे खाना वाना छोड़ दिया था, खाना पीना ना, तो मैदा वगैरह में चेक कराया तो उन्होंने बताया हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस का जी, तो फिर उसका इलाज कराया। इलाज करवाया, करवाता रहा अलग अलग। करते क्या थे इससे पहले बीमार होने से पहले? तो वेल्डिंग का काम करता था। वेल्डिंग का काम, वेल्डिंग का। तो इस बीमारी के बाद तो आपके, आपने बताया कि आपकी टांगों में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इनकी पूरी टांगों में जख्म है, जख्म है, और हाथों में भी है। दवाई, किसी दवाई के रिएक्शन से हुआ है। अलग अलग डॉक्टरों को दिखलाता रहा, मैंने बोला चलो यहाँ सस्ता पड़ जाएगा, गवर्नमेंटों में जाते थे। सायरा आप बताएं, डॉक्टरों को भी दिखाया है, फिर उसके बाद स्टोर से दवाइयाँ ली, अलग अलग ऐसे करा ना, अल्लाह जाने के उससे इन्फेक्शन हुआ है। तो आप जब जख्म हो गए, इन्फेक्शन हो गया, तो दोबारा गए डॉक्टर के पास, तो क्या कहते हैं डॉक्टर? उन्होंने दवाई वगैरह दिए और काम करने का, जैसे बैठ के काम करने का मना करा, बैठ के काम नहीं कर सकते, जमीन पे बैठ के काम नहीं कर सकते। अच्छा, चूंकि हेपेटाइटिस में लिवर सबसे पहले अफेक्ट करता है, तो यकीनन इनकी जो कंडीशन है उसमें बीमारी बढ़ ही गई होगी। कह रहे हैं कि पटांगों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। बिल्कुल, और बैठ के काम नहीं कर सकते, जाहिर है वेल्डिंग का काम भी बहुत मेहनत का काम है और अब हो नहीं सकता। तो किस तरह, क्या है जरिया है मौश, अब किस तरह से आप किस तरह सायरा घर चला रही हो? अभी बस मैं किसी के यहाँ पे खाना बनाने के लिए जाती हूं, तो वो मुझे। आप कौन से इलाके में रहते हो आप लोग? हम लोग ये अल्लाह वाली टाउन। अच्छा, ठीक है, कोरंगी में, ठीक है, ब्रूक चौरंगी के पास। अच्छा, तो अब आप किसी घर में खाना बनाती हो और क्या करती हो? बस खाना बनाती हूँ, वो लोग मुझे सिलाइयाँ करती हैं, बेटियाँ घर में, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा मेरा कोई जरिया हो जाए कि मैं अपनी बच्चियों को मशीन दिला सकूँ। अगर आप घर से काम करने के लिए बाहर निकलती हो तो बच्चे संभाल लेंगे? जी बेटियाँ, ठीक है। मशीनें मैं चाहती हूँ, मैं खुद भी बाहर ना जाऊँ करने के लिए, मैं सिलाई का ही काम करूँ घर में। जी, घर तो आपको सिर्फ सिलाई की मशीन चाहिए? जी, कितने की होती है सिलाई की मशीन? अब तो 15,000-20,000 रुपए की सिलाई मशीन मिल जाती है। 15-20 लेकिन उसके साथ राबे एक चीज का, क्योंकि सिलाई मशीन बिजली पे चलती है और नेचुरली उसका एक खर्चा भी है साथ, तो जो भी हम 15-20,000 से मसला हल नहीं होगा। जी बताएं, किराया कितना है? हमारा घर ऐसा है कि मैंने बस
छत वे सब खराब हुई हुई है, टैंकी भरती सब पानी नीचे आता, 5,000 रुपए किराए पे हमने लिया हुआ, बहुत खराब। 5,000 रुपए तो वो जाहिर है उस घर की हालत भी ऐसी। मकान मालिक खुद कहते हैं कि आप घर खाली कर रहे हैं, नहीं रहे, ये जान क्योंकि छत के ऊपर आ सकती है आपके बच्चे, यानी छत कभी भी गिर भी सकती है, आप कह रहे हैं इतनी कम पानी वगैरह। 5,000 इसलिए तो इतना मिनिमल सा किराया है। मूवी भी दिखाई है मैंने घर की बना के आप लोगों को। अच्छा जी, वीडियो में भी घर की हालत में देखिए, बहुत खस्ता मिल जाए ना, भले रक्षा में ना मैं चला लूंगा, रक्षा चला लेंगे आप, हां क्योंकि रक्षा में शायद पैरों से ठीक है, और रक्षा भी तकरीबन 2 लाख रुपए का ये नहीं कह रहे कि हमें मछली पकड़ के खिलाए, वो कह रहे हैं हमें सिखा भी दे, हमारा जरिया मौज का आगाज हो जाए। और ऐसे ही होना चाहिए कि लोगों में जब तक आपकी जिंदगी है, सांस है, कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहनत करने वाला शख्स बहुत पसंद है। और इनके नंबर्स स्क्रीन पे हैं जनाब, कोई ऐसा सिलसिला कर दीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म से कि हमारे जो भाई हैं, हमारी बहन है यहाँ पे मौजूद, परेशान है, अगर उनके पास सिलाई मशीनें आ जाए और उनके पास रिक्शा आ जाए हमारे भाई के पास, तो सिलसिला शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देंगे। वैसे कोशिश यही करें आप कि अगर आपके पास इंशाल्लाह, आप हमारे पाकिस्तानी बहन भाई ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं, आप सब जानते हैं कि ज़कात का ये वक्त है, ज़कात निकालने का, हम हमेशा आपको कहते हैं कि उससे बढ़कर अमाउंट दें। अगर आपके ऊपर 1,000 रुपये बनता है तो आप 1,500 निकालें, जब आप अल्लाह की राह में सोचे समझे बगैर ज़्यादा अमाउंट देंगे तो अल्लाह ताला फिर आपको बेहिसाब इसका अजर देगा। और नाज़रीन कराम, ये वो फैमिली है जो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है, वो ये नहीं चाहती कि आप कोई उनको डोनेशन ऐसी भेजें कि बस वो बैठ कर खाएँ उस पैसे को इन्जॉय करें, बल्कि वो कह रहे हैं बस हमें इतनी रकम दे दें कि ये सिलाई मशीन ले सकें, अपना प्रॉपर तरीके से घर में सिलाई का काम कर सकें, और मेरे भाई के लिए रिक्शा। वो खुद तो ये कह रहा है कि मुझे पुराना रिक्शा भी मिल जाए तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर नया रिक्शा उसमें काम नहीं निकलता रोज़ रोज़ का, तो ये नया रिक्शा अगर उसकी एक अमाउंट हो जाए बंदोबस्त, और कोई एक फैमिली भी कर देगी तो हो जाएगा, वरना बहुत सारे लोग अगर थोड़ी थोड़ी रकम भी बेचते हैं। इनका नंबर जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, और इस नंबर पर आप रब्ता करके इनकी मदद कर सकते हैं। ये कराची में कोरंगी पर ब्रूक चौरंगी के करीब रहते हैं, आप इनका घर खुद जाकर देख सकते हैं, इनसे नंबर पर रब्ता करें, खुद जाएं, खुद हालात देखें समझें और फिर इनकी मदद। मेरे भाई आपकी बेटियां कितनी माशाल्लाह? 4 बच्चियां हैं, क्या उम्र क्या है इनकी सबकी, माइक में बोलिएगा प्लीज, क्या क्या एज है? एक 14 साल की, अच्छा माशाल्लाह, 13 साल की है, एक 12 साल की, और ये 4 साल की। अच्छा, अब एक एक साल है। और बच्चियां जब बड़ी हो रही होती हैं उनकी भी एक फिक्र लाहक होती है उनकी शादी की। अच्छा, पढ़ने में ये बच्चे की स्कूल जा रही है, कहीं जाती है, स्कूल वगैरह नहीं जाती, ट्यूशन जाती है, मदरसे जाती है। अच्छा, आपने मदरसे जा रही हैं? मदरसे, आप लोगों के शनाख्ती कार्ड वगैरह सही बने हुए हैं, बच्चियों के बर्थ सर्टिफिकेट हैं, तो आप लोगों ने किसी ऐसे स्कूल में क्यों नहीं बात की जैसे TCF है और सिटीजन फाउंडेशन है, हैंड्स वाले भी, उनके भी स्कूल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ टाइम पहले कोशिश चल रही थी, जा रहे थे, अभी जब से मैं बीमार हुआ ना कम से कम 6-7 महीने। नहीं नहीं, देखें आप, ये एक प्रोसेस है, अगर आज ये पढ़ी लिखी होती तो आज ये कोई अच्छा जॉब कर रही होती ना, आज आपको यहाँ ना आना पड़ता। तो अपनी बच्चियों के लिए आप, क्योंकि देखें अगर ये मुमकिन ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई फ्री स्कूल्स होते ही ना, तब आपकी ये बात बनती थी, लेकिन आपने बच्चियों को स्कूल भेजना है, स्कूल भेजे। इनफैक्ट उनका जो ध्यान है बहुत पढ़ाई में अच्छी जगह पे लगता है, बच्चों से मिलते हैं, एक ज़हनी तौर पे भी दे फील बेटर। बच्चों का स्कूल में जाना बहुत जरूरी है उनके लिए, और उसके साथ साथ तालीम हासिल करके कहीं ना कहीं अच्छा रोजगार का सिलसिला आगे बन सकता है। और जहां तक आपकी बात है मेरे भाई, हम ऑडियंस से, हमारी पीटीवी की नाज़रीन हमें देख रही है, नंबर स्क्रीन पे सामने, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई आगे बढ़ेंगे और हमारी बहन की और हमारे भाई की मदद जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे, आपके लिए कुछ गिफ्ट हैम्पर्स है जामेशीरी फोर्टाइल और मेहरान की जानिब से, ये बच्चों के लिए खासतौर पर SPG की जानिब से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स है, वो हम आपको देंगे। और नंबर एक मरतबा मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्रेक पे जाने से पहले फिर से चला दीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे ये नंबर आप लोग देख रहे हैं, इनकी मदद कीजिए, सदका जारिया है, कारोबार करा के दीजिए, इनके बच्चे पढ़ेंगे, खाएं पिएंगे, खुश रहेंगे, और इंशाल्लाह ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है
हमारे भाई का इलाज भी अगर आप लोग करवा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कोई बिगड़ा हुआ इलाज है जिसकी वजह से ही डजंट ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ना तो बुजुर्ग हैं, यंग हैं दोनों मियां बीवी, और अगर इनका इलाज बहुत अच्छे से हो जाए, बिल्कुल अच्छे से इलाज हो जाए, तो ये खुद मेहनत करके अपने बच्चों को संभाल लेंगे इंशाल्लाह। तो जरूर रब्ता कीजिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं, और अब वक्त हुआ है एक जबरदस्त से क्विज का। सबसे पहले ऑडियंस से बोलूंगा क्विज में शामिल होने के लिए, आप लोग तैयार हैं? नहीं तैयार, तालियां बजाइए जोरदार जोरदार। गिफ्ट लेने के लिए तैयार हैं? ये देखो क्या बात है। अच्छा जी, हमारे पास दोनों टीम्स मौजूद हैं, टीम ए और टीम बी आपके सामने। मैं चाहूंगा टीम ए और टीम बी अपना तारुफ खुद कराइए। जी टीम ए, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आशिर खान है और मैं कराची यूनिवर्सिटी से हूं, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम, अमारा तारिक जामे कराची। जी हारून सलीम है, जामे दारुल उलूम कराची से दर्शन निजामी कर रहे हैं। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और मैं दर्स निजामी कर रहा हूँ। ठीक है, ओके जी, तैयार हो जाए, कमर कस ले, आवाजें थोड़ी ऊंची कर ले और गौर से सवालात सुनने हैं। टीम ए और टीम बी से हम पहले राउंड में चार सवालात करेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से सोचकर जवाब दीजिए। जो भी आप लोगों के मार्क्स होंगे हम राउंड टू की तरफ जाएंगे, जिसमें रैपिड फायर सवालात होंगे और बजर राउंड है, बजर जो भी बजाएगा पूरा सवाल सुन के उससे जवाब लिया जाएगा। -10 है नेगेटिव मार्क्स, बिल्कुल उसमें अगर आप गलत जवाब देंगे या आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो -10 होंगे। इस वक्त माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन चार चार सवाल आप दोनों से इमरानुल हक कल्याणी भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इमरान भाई, ये जो क्विज कंपटीशन होता है इसमें नॉलेज में इजाफा होता है, तो ये कितना जरूरी है हमारे आज की जनरेशन के लिए? जी नॉलेज में इजाफा बहुत जरूरी है, रबी जिदनी इल्मा, जो हमें दुआ सिखाई गई है वो, और वो वाकई में टेक्निकली कभी कभी नॉलेज इतनी आप लोग टफ और टाइट वाली पूछते हैं, कभी कभी हमारी भी कांपे टांगने लग जाती है। पूछ लेंगे क्या जवाब है, लेकिन बाहर अच्छी बात आ रही है। आप लोग सलामत करते हैं कोई इसका, लेकिन अगर वज़ाइफ के लिए, क्योंकि इमरानुल हक कल्याणवी साहब हमारे वज़ाइफ के सेगमेंट में होते हैं, आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो कॉल्स भी अब हम आपकी लेंगे वक्तन फवक्तन, और ऑडियंस में भी अगर कोई कोई भी सवाल इमरान साहब से पूछना हो तो हम। ठीक है जी, पहले सवाल का आगाज करते हैं। टीम ए आपसे सवाल करूंगा, पहला सवाल यह है, आप ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा आमद से कबल किसको सरदारे मदीना बनाया जा रहा था? ऑप्शंस ये हैं टीमें आपके लिए, अब्दुल्ला बिन सलाम, अबू जहल, अब्दुल्ला बिन उबई, उतबा बिन रबिया। इन चारों में से किसको सरदार बनाया जा रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा आमद से कबल? जी बताइए। अबू जहल। आपका जवाब बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सही जवाब है अब्दुल्ला बिन अबी, और अब्दुल्ला बिन उबई भी कहा जाता है। गम और ज्यादा शिद्दत का गम डाल दें इसमें, और ये मुश्किल सवाल था यकीनन। जब हम स्टडी करते हैं तो अक्सर इस तरह के सवालात को इग्नोर भी कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, टीम बी से मेरा सवाल है, गजवाए बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए? 70, 14, 50 या फिर 313? 14 14
और 313 का क्या उसमें इम्पोर्टेंस है? वो 313 मुकम्मल सहाबा कराम की तादाद थी नबी शरीक जो हुए थे, जिसमें से फिर 14 शहीद हो गए। बिल्कुल सही जवाब है, तालियां बजाइए इनके लिए, जोरदार तालियां। हर सही जवाब पे तालियां आनी चाहिए जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल मैं टीम बी से करूंगा और अब आप सवाल टीम ए से करेंगे। टीम बी, आपसे सवाल ये है, आप लोग ये बताइए कि तामीर काबा के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन साहबजादी की विलादत हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, हज़रत फातिमा, हज़रत रुकैया, हज़रत ज़ैनब या हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हमा। तामीर काबा के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन साहबजादी की विलादत हुई? टीम बी, वक्त बहुत कम है, आपका जवाब क्या है? 5 4 3 2 उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला। आपने कहा हजरत उम्मे कुलसूम, आपका जवाब बिल्कुल गलत। टीम ए को आता था जवाब? आता था। टीम ए को क्या जवाब था? टीम ए हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब टीम ए। लेकिन आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली। कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारी तारीफ तो मिल गई ना, वो भी बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, आपसे अगला सवाल टीम ए मेरा। मशहूर तफसीर तफहीमुल कुरान किसने तहरीर फरमाई? पीर करम शाह अल अजहरी, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, डॉक्टर इसरार अहमद या मौलाना अबुल आला मौदूदी? मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब। मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब आपका जवाब है। ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, करेक्ट आंसर, वेल डन टीम ए। ठीक है जी, टीम बी से अगला सवाल है, बहुत आसान और आप लोगों की तैयारी भी माशाल्लाह अच्छी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना का ताल्लुक किस कबीले से था? गौर से सुनिएगा, बनू तय, बनू साद, बनू तमीम, बनू जोहरा। इन चारों में से हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक किस कबीले से था, ये बता दीजिए। बनू साद से था। आपने कहा बनू साद, आपका जवाब बिल्कुल गलत। बनू साद से हजरत हलीमा का ताल्लुक, बीबी हलीमा का ताल्लुक, बीबी हलीमा दाई रीमा का ताल्लुक था। आपका हजरत आमना सलामुल्लाह अलैह का ताल्लुक बनू जोहरा से था। ठीक है जी, आगे ठीक है जी। टीम ए, कुरान की कितनी सूरतें ऐसी हैं, कुरान की कितनी सूरतें हैं जिनका आगाज इब्तिदा अलहम्द से होता है? 5 सूरतें हैं ऐसी, 11 सूरतें हैं, 4 सूरतें हैं या 20 सूरतें हैं? 5 सूरतें हैं। 5 सूरतें आपने कहा कि कुरान करीम में ऐसी हैं, क्या आप नाम ले सकती हैं उन सूरतों का? सूरह फातिहा का पता है, इसके अलावा? सूरह फातिहा का पता है, इसके अलावा नहीं पता। ठीक है, आपने लेकिन जवाब दिया 5, तो आपने कहीं पढ़ा था इसलिए आपको याद था। ओके, 5 सूरतों का आगाज अलहम्द से होता है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही। टीम ए, वेल डन, बहुत खूब। ठीक है जी, ये इस राउंड का लास्ट क्वेश्चन है और मैं अपना आखिरी सवाल टीम ए से करूंगा और राबे अपना आखिरी सवाल टीम बी से करेंगे। टीम ए, आपसे सवाल ये है कि शबे मेराज के मौका पर पहले आसमान पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किन पैगंबर से हुई है? टीम ए के आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी। टीम ए ने कहा हजरत आदम, जवाब दुरुस्त, वेल डन। टीम भी आपसे मेरा सवाल, ऑप्शन से पहले ही जवाब दे दिया उन्होंने। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ईसवी कैलेंडर के मुताबिक किस महीने में हुई थी? फरवरी में, अप्रैल में, जून में या दिसंबर में? अप्रैल में। अप्रैल में जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, हमारा पहला राउंड यहाँ पे खत्म हुआ और पहले राउंड में टीम ए और टीम बी की मार्किंग हम आपके सामने आपको बता देते हैं। टीम ए के हैं 30, तालियां बजाइए टीम ए के लिए, 30, और टीम बी के हैं 20। टीम बी के लिए भी तालियां बजाइए। अभी बजर राउंड है और बजर राउंड मौका होता है सबसे ज्यादा पासा पलटने का, मार्क्स अचीव करने का, जैसा राबिया ने कहा।
और अगर आप बजर दबाएंगे, सवाल मेरा गौर से सुन लीजिएगा, कहीं पे कोई मिस्टेक होगी -10 की मार्किंग है। बट हम हमेशा कहते हैं 70% सवाल को कंप्लीट होने दीजिएगा, ऐसा ना हो कि हम कहें एहसन खान ने और आप बजा, तो कोई भी सवाल आगे हो सकता है, तो उसके थोड़ा सा मुकम्मल होने दें ताकि बजर चेक कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल ठीक है जी, ऑडियंस नजर रखनी है कि बजर किसने पहले बजाया है, और बाकी हमारे टीम मेंबर से भी ताल हम कहेंगे। इस्माइल भाई आप इस तरफ आ जाया करें बजर वाले वक्त में। पहला सवाल आप कर लीजिए। मैं करती हूं। चले जी, पहला जो सवाल है इस राउंड का वो ये है, उम्मे जमील किस काफिर सरदार की बीवी थी? बी, मुझे लगा ए, बी, ए या बी, एक मिनट, एक सेकंड, ए या बी, ए, ए, गलत मत करो, मेरी नजरें बहुत तेज हैं। अबू लहब, अबू लहब आपने कहा, वो काफिर सरदार जिसकी बीवी का नाम उम्मे जमील था। टीम बी यही जवाब है, टीम बी ने कह दिया तो यही जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त जवाब है। टीम ए, आप बिल्कुल, you were very close, both of you, ऐसे महसूस हुआ कि दोनों ने, I think micro second, हाँ बहुत close। अच्छा जी, दूसरा सवाल गौर से सुनिएगा, सवाल technically आपको सुनना पड़ेगा तो समझ में आएगा। यौमुल अरूबा, यौमुल अरूबा का नाम बदल कर जुम्मा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से किसने ये नाम रखा था? As I told you, it was a difficult question. अगर आपको याद आता है तो बताइए कि यौमुल अरूबा का नाम बदलकर जुम्मा जो नाम आज भी ये नाम जारी है, रसूल खुदा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से किसने रखा था? किसी को जवाब नहीं आता, कितना रिपीट करेंगे? नहीं आता जवाब, नहीं आता, उनको अच्छी तरह समझ आ जाए राबिया। नहीं, बच्ची को माइक नहीं, यहाँ पे आवाज नहीं आ रही। अच्छा बताएं, काब बिन लोई, अहले अरब में हफ्ते के दिनों के मुख्तलिफ नाम राइज थे, तो काब बिन लुई नाम है जिन्होंने जुम्मे का नाम रखा था। जी अच्छा जी, अगला सवाल आप दोनों से, तैयार हो जाएं, वेरी इजी। शायद उर्दू के किस नामवर शायर के मजमुए कलाम का नाम है? बी, शायद, इसलिए कहती हूँ 70% सुन लिया करो, शायद उर्दू के किस नामवर शायर के मजमुए कलाम का नाम है? 5, 4, 3, 2, 1 बताओ जवाब, जॉन एलिया। जॉन एलिया जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर तो डर की क्यों दिया जवाब, कहाँ रुक कहाँ गए थे क्या? असल में मैं लेकिन और शायद, अब माइक में बोलिए, माइक में, लेकिन और शायद में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। अच्छा, लेकिन भी उन्हीं का मजमुआ है और शायद भी उन्हीं का, पहले शायद आया था फिर लेकिन, क्या बात है, वेरी गुड गुड। बहुत अहम वक्त पे आपने बिल्कुल, टाइम जाते जाते आपने बोला है, थोड़ा कंफ्यूज भाई को पढ़ता है लड़का, सब पता है माशाल्लाह। ठीक है जी, अगला सवाल गौर से सुनिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सवाल यह है कि गारे सौर के क़याम के दौरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाल सुन लीजिएगा प्लीज़ पूरा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी टीम ए। अच्छा, खाना जो हकीम बिन हज़ाम पहुँचाते थे वहाँ पर गारे सौर में, लेकिन ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी, अस्मा बिन, अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अस्मा बिनते अबू बकर, जवाब बिल्कुल सही है। सही जवाब, वेल डन। चूंकि आपने सवाल पूरा नहीं सुना था तो इसलिए आप खुद भी कंफ्यूज थे जवाब देने में, ये था कि खाना, खाना किन्होंने पहुंचाया, जो भी ऑप्शन सवाल का हो सकता था दोनों के जवाब उन्होंने बताए। मैं ये सवाल पूरा ये करना चाहता कि हजरत अबू बकर की कौन सी बेटी ने, ये सवाल था एंड में, हो सकता है उस वक्त जैसे उन्होंने किसी और सहाबी का भी नाम लिया, लेकिन हम उनकी साहबजादी की बात कर रहे हैं। एनीहाउ, जवाब आपका ओके जी। अब अगला सवाल सुनिएगा, कुरान की मशहूर किरात का नाम बताएं जिसके मुताबिक हम तिलावत करते हैं। जिसके मुताबिक हम तिलावत करते हैं, जो सोच रहे हो, किराते हफ्स, जिसे रिवायते हफ्स भी कहते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत खूब, क्या बात है, मैंने नोटिस किया कि वेरी डिफिकल्ट, इनका पिछला सवाल भी इट वाज इस्लाम के उसमें से नहीं था, लेकिन जवाब बड़ा सही दिया, तो तैयारी टीम भी की बहुत जबरदस्त, वेरी गुड टीम, बट ऑब्वियसली टीम है, यू आर आल्सो प्लेइंग वेरी वेल। अगला सवाल इंतहाई आसान, लेकिन समझ लीजिएगा मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, कि हजरत उस्मान की शहादत का सुनकर जो
बैत ली गई थी टी में उसको क्या कहते हैं? बैत रिजवान। जवाब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी क्विक बेटा। टीम भी जवाब आता था ना इसका, लेकिन वो बजर दबाने यस। इतनी गौर से उसने बच्ची ने आपको सुना है, वेरी गुड। बहुत आसान, बहुत आसान सवाल, दोनों को आता होगा, बट इट्स द टाइमिंग दैट मैटर्स। किस सहाबी को ये कहा जाता है, किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जाता है? मुरादे रसूल, टीमें। बहुत आसान, क्विकली। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, वेल डन, वेरी इजी। मुझे पता है दोनों को आता था, बट अगेन टाइमिंग मैटर। और दोनों ने बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगा बराबर से बजर दबाया है। पहले लाइट जल जाता है, हल्का हल्की सी लाइट जल गई थी। जैसे ही बजर बजता है तो बजर की आवाज से पहले लाइट ऑन हो जाती है। मैं इंतजार कर रहा था कि इस बार टीम बी दबाएगी पहले बजर। चले जी, कोई बात। आपसे सवाल इंतहाई आसान, सवाल पूरा सुन लीजिएगा। दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, शायर का नाम बताइए। टीम बी, अल्लामा इकबाल। बिल्कुल सही जवाब, दुरुस्त है। अच्छा, वो आपसे इतना खौफज़दा हो गए कि वाकई पूरा शेर सुनने के बाद भी वो नहीं बजा रहे। बजा रहे। अगर कोई और कंपटीशन होता तो ये फौरन बजा देते। Because it's very important to listen to the full question. जी। अच्छा जी, पहली हिजरत हबशा के मौके पर जो काफिला था, हिजरत हबशा का, उस काफिले का सरदार कौन था? टीम बी, उस्मान रजी अल्लाह तआला। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, वेल डन टीम बी, वेल डन। तालियां बजाइए जोरदार दोनों टीम्स के लिए। एक सवाल अगर रहता है, खत्म हो गए, हम अपनी मार्किंग की तरफ जाएंगे। मेरे पास एक सवाल मौजूद है, अगर टाई नहीं हुआ है, अगर टाई नहीं हुआ तो हम सवाल नहीं करेंगे, अगर टाई हो गया तो मेरे पास एक सवाल मौजूद है। हमें बताइए जी, पिछले राउंड में टीम ए के 30 थे जो फर्स्ट राउंड था, और टीम बी के 20 थे। इस राउंड में एक पॉइंट पे टीम बी ने बजर दबाने के बाद भी सही जवाब नहीं दिए। टीम बी के 60 पॉइंट से ताली बजाइए जोरदार। और टीम ए, आई एम सो सॉरी, बहुत माजरत है, आपने बहुत कोशिश की लेकिन हम आपकी बहुत हौसला अफजाई करेंगे। टीम ए के, सॉरी, टीम बी के 60 और टीम ए, एक्सट्रीमली सॉरी, आपके हैं 70। बहुत अच्छी एक्टिंग करते, लेकिन ये अच्छी एक्टिंग नहीं थी। टीम ए इज द विनर। आपको पता था कि हम जीत गए? क्यों, हिसाब कर रहे थे क्या हाथों में? हाँ, माइक्रोफोन अंदाजा हो रहा, कैसे अंदाजा? उन्होंने भी तो इतना अच्छा खेला यार, इसमें बराबर था और उसमें हम 10 नंबर आगे थे। हाँ, ये देखें हिसाब इनका। अच्छा, आप एक बार नोटिस करें, एक चीज नहीं, वो बात नहीं है, मुझे ये लगा कि आज टीम ए इसलिए नहीं जीती कि उनकी नॉलेज टीम बी से ज्यादा थी, इसलिए नहीं जीती। दोनों की नॉलेज बहुत थी, लेकिन टीम ए विजिलेंट होने पे, रिफ्लेक्सेस तेज होने पे, बजर जल्दी दबाने पे, क्या ऐसा है? इस, ये भी एक टेस्ट होता है आपका। इस लड़की के तेज से, बिल्कुल। ये तो ठंड माहौल में, इसने कहा मैं तो साथ आया हूँ, इसने जितवा ही देना है। ये चिल सीन था इनका। वो दोनों माशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे थे। मैं शाबाश देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की और लगे रहे ऐसे। वेरी नाइस। और बहुत मुश्किल जो सवालों के जवाब थे वो आप लोगों ने दिए। अच्छा जी, आप इनामात का बताइए। जो हमारी आज टीम में विनर है वो क्या क्या लेकर जा रही है? फोटाइल, जामे शीरी और तिफल की जानिब से तहाइफ। और टीम बी लेकर जा रही है पामोलिव, तिफल और मेहरान स्पाइसेस की जानिब से तहाइफ। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी तालियां, हौसला अफजाई किया करें ऐसे नौजवानों की। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, अच्छी नॉलेज अपने पास रखते हैं, दीनी और दुनियावी। और अच्छा, हम ऑडियंस से भी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। ऑडियंस, आप ऑडियंस, हम इतने आसान सवाल करके बस ऐसे ही हम गिफ्ट देते हैं। एक प्यारी सी यहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट सी डॉल बैठी है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये डॉल ने जो तैयारी की है ना वो तो कमाल है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कुछ सुनाना चाह रहे हो हमें? क्या सुनाओगी? शजरा सब। शजरा सब, वाह भाई माशाल्लाह, सुनाइए।
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाब बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान बिन अबिद बिन हमसा बिन सलमान बिन औस बिन बोस बिन कम्बाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिक बिन हिजा बिन बल्जान बिन गल्लाब बिन अरे वाह माशाल्लाह بن عبید بن عبدوا بن حمدان بن سمبر بن یتربی بن یزان بن یلہن بن اوا بن یزی بن شان بن یسر نکنار بن احام بن اوکسر بن ناہر بن زارہ بن سمیع بن مزی بن عبید بن رام بن کدار بن سمائل بن ابراہیم بن عزر بن نہو بن سروب بن رو بن فائد بن عابر بن فقشاد بن سام بن نو لامد بن اچھ بن وچالک بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن کنان بن عیوش بن چیش بن حضرت آدم علیہ السلام واہ بھائی بہت ساری تعلیم بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے ان کو تو ڈبل انعام ملے گا عمران صاحب آپ نے دیکھا عمران بھائی کیا بات ہے شجرہ نے سب بتایا انہوں نے جی ان ایسے بچوں کو دیکھ کے وہ مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ سے امید بنتی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری جنت میں ماشاءاللہ ایسے بچے بیٹا کا نام بتائیے ایسے بچے تو عائشہ بیٹا یہ تیاری کیوں نہیں کرائی ہے کائنات کے سب سے پیارے ناموں میں سے ایک نام بھی تو اس گڑیا کا ہے بالکل کیوں نے تیاری کرائی ہے ماما نے بابا نے اما نے اما کا بیٹی اما کے لیے تالیاں بجا دیں اما کے لیے زوردار تالیاں یہ گفٹ ہے آپ کی اما کا آواز والا ٹھیک ہے اور یہ گفٹ ہے آپ کا یہ ارے یار یہ رکھیے جانان کا اور آپاس کی جانب سے گفٹ اور ایک ہمیں روح افزا دیجئے روح افزا دیجئے ان کو آج ہم بہت سارے گفٹ حوصلہ افزائی کریں گے لاؤ دے دو بیٹا یہ اما کے پاس لے جائے نا بچی بچاری ہم چھوڑ کے آتے ہیں یہ لیں یہ آئی جی آؤ جی تالیاں بجائیں تالیاں بہت ساری تالیاں ماشاءاللہ رابعہ یہ لیجئے اب آپ باقی بچوں سے بھی اور ہمیں کون کیا سنانا چاہے گا ہم نے بچہ بولا بھائی وہ کا ہے جو بچی احسن بھائی کے تھینک یو کتنی پیاری تسبیح مدینے کی تسبیح ہے کیا بات ہے بھائی آپ کا ڈرامہ دیکھتا ہوں میں وہ سکون دل کو بہت سکون مل جاتا ہے دیکھ کر مجھے دل کو دیکھ نہیں 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 ایک سیکنڈ نہیں 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 احسن کو دیکھ کے سکون ملتا ہے سنا کو ڈرامہ ڈراما کو دیکھ کے یار ان کا روزہ کیا کیا روز اس موقع پہ رابے کو پتہ نہیں کون سی روح آتی رابے کے سنا کی تو ہو گئی تو ان کی بھی تو ہو گئی آئی تھنک آپ گڑیا سے کر لیں گڑیا سے کر لوں شاید ہاں گڑیا چلے اینڈ دیکھتے ہیں گڑیا والا رول ہماری سدرا نیازی اچھا سدرا نیازی اچھا تو ان کی کس کے ساتھ ہوئی ہے سنا کی تو ابھی نہیں ہوئی ڈرامے میں ارے ویسے سے کیا تھا ویسے تو میرے چار بچے ہیں ماشاء اللہ تو میں اب دوبارہ کر لوں کیا کہہ رہی میری بیگم سن رہی ہوگی وہ کیا آپ کو پتا ہے آپ چھپاتے ہیں نا ویسے میں کل کی چھپاتا ہوں نوٹ کیا ایسے نہیں بتاتے کہ ان کی شادی ہے یا بچے ہیں کسی کو نہیں بتاتے جھوٹ بول رہی ہیں 100 کروڑ دفعہ بتا چکا ہوں ماشاء اللہ بولے ماشاء اللہ سبحان اللہ نام فوراً دے یار تم ساری چیزیں لے جاؤ نہیں تو ان بےچاروں کو بھی ان کو بھی تو سکون ملتا ہے جانان اور اچھا یہ سنائیے شیر سناؤ بھائی ارشاد رمضان پاکستان یہ شیر ہے رمضان پاکستان احسن انکل اور رابعہ بھی میری جان لاؤ جی اس کو مہران کا گفٹ ہیمپر دیجیے مہران سپائسز کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے یہ پیارے سے بچے کا اور کون سا بچہ کچھ سنانا چاہ رہا تھا اچھا جی یہ بہت شکریہ تسبیح کے لیے نورس کے دن یہ نورس کا دے دو نورس تو ہے ہی نہیں ادھر اچھا خرم بھائی یہ کہاں سے آگئی جامع شیری اور روح افزا چھوڑ کے نورس یاد آ گئے ان کو اچھا اچھا جی بیٹا بتائیے آپ کیا کہیں گے پڑھیں جی پڑھیں رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسعاتی قرآن ان کے لیے ایس بی جی کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے یہ رکھ لیجیے ایس بی جی بیٹا آپ کیا بولیں گی میں نے بھی رات پڑھنی ہے جی پڑھ دیجیے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے
बहुत खूब, ये लीजिए हेवन की जानिब से प्यारी से बच्चे के लिए दो गिफ्ट हैंपर्स हैं। अच्छा जी, और बच्चे, सिर्फ बच्चों को मिल रहे हैं, ये छोटी बच्ची, हाँ इनको गिफ्ट चाहिए, छोटी सी गुड़िया को गिफ्ट, टेफल बेबी डायपर, बेबी डायपर की तरफ से रख लीजिए, जल्दी से ले लो, एक नहीं दो दो मिलेंगे, ये एक और इनको भी चाहिए, ये लीजिए आपके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जी ये हेवन की तरफ से, ये लीजिए। अच्छा जी, हमारे पास और भी गिफ्ट हैंपर्स हैं। ये एक मोबाइल का सवाल, इमरान भाई, मोबाइल का सवाल मोहम्मदी एक्सचेंज की जानिब से मोबाइल है, सवाल आप करेंगे, ऑडियंस में से जो जवाब देगा उसको ये मोबाइल मिलेगा, सवाल कीजिए। एतकाफ जो है वो फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत? एतकाफ फर्ज है, वाजिब है या सुन्नत है? भाई हमारे पीछे जी, वाजिब। माइक दे दीजिए, जवाब आपका गलत है, आप बताइए। सुन्नत है जी, सुन्नत मौकदा अलल किफाया, सुन्नत मौकदा, ये हम मोबाइल मिलेगा, मोहम्मदी एक्सचेंज का मोबाइल आपका होगा। तालियां बजाइए इनके लिए जोरदार। एक और सवाल जी, जी एक सवाल पे दो गिफ्ट हैंपर अल्फता के, दो एहसन खान मिलेंगे, दो दो गिफ्ट हैंपर अल्फता के, एक सवाल पे जाएंगे, बहुत सारी चीजें, दो लोगों को दे, चलो दो लोगों को दे, ठीक है, सबको ईदी मिलनी चाहिए, ओके, अच्छी चीज है। सवाल कीजिए आसान सा, आसान सा सवाल ये है कि अगर ईशा की नमाज रह जाए गलती से तो जब कजा पढ़ेंगे तो उसके साथ वितर की कजा अदा की जाएगी या नहीं? इशा की नमाज अगर रह जाए तो बाद में अगर कजा कर रहे हैं तो साथ में वितर की कजा भी होगी या माफ है? बेटा सवाल समझ आया? नहीं सवाल समझ आया, क्या सवाल है? हाँ बोले, 12 बजे के बाद पढ़ी जाएगी? नहीं पढ़ी तो जाएगी, वितर की कजा अदा करनी है, वितर जो 3 वितर पढ़ते हैं उसकी कजा अदा करते हैं या नहीं करते? करते हैं, करते हैं। जवाब बिल्कुल सही है, अल्फता का गिफ्ट हैंपर आपका हुआ। एक और सवाल, अच्छा मैं एक आसान, बहुत आसान सवाल कर रही हूं, इससे मुझे अच्छी लग रही है, अच्छा मुझे जल्दी से बताओ ये कैसी बात है, बाकी नहीं अच्छा लगे? नहीं नहीं मुझे बहुत क्यूट लगा, ऐसे हाथ भी ना ऐसे नहीं, कैसे ऐसे, हेलो मुझसे पूछे, बताए शेफ समिया आज क्या बना रही है? शेफ समिया चिकन, चिकन पॉप्स, खान आपका हुआ ये वाला। अच्छा जी इमरान भाई क्या चाहिए? शेर, ये ले लो, नहीं गिफ्ट भी मिल जाएगा आपको यार, तुम नहीं नहीं सुनाइए सुनाइए जल्दी सुनाइए बेटा, देना बनो यार, देख रहे हो तुम कैमरे पे, बताओ की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, ये हेवन का गिफ्ट हैंपर आप रखिए, ये एसपीजी का गिफ्ट हैंपर आप रखिए मेरे भाई, और ये किसको चाहिए पहले ये बताइए, किसको चाहिए? दे दो उसको माइक, किसको चाहिए? आपको चाहिए, ये आपके बच्चे माशाल्लाह, ये आपके बच्चे यूज करेंगे। अच्छा ये लिपस्टिक भी आपने ना तिफल बेबी डायपर के पैकेट जैसी लगाई हुई है तो इसलिए आपको ऐसा नहीं गिफ्ट दे रहे, वो पीछे वो बच्ची जा रही है इनकी, ये इनकी बच्ची है, अच्छा ये आपकी है, ओके जी, हाँ जी, और हमारे बच्चे हैं। हाँ शेर इरशाद, कि किसी शख्स से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो, ओह माय गॉड, ताकि अरे यार क्या तू मोहब्बत रुक जाओ, नहीं भाई ना पढ़ो, किसी शख्स से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो, आगे ताकि उनकी छोटी छोटी गलतियों को अपने दिल में दफन कर सके। अय अल्लाह, अच्छा भाई नहीं ऐसा, ये बहुत प्यारा शेर था, ये शेर नहीं था, इसमें कोई वजन भी नहीं था, लेकिन फिर भी था, किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो ताकि उनकी छोटी छोटी गलतियां उस कब्रिस्तान की कब्र के अंदर दफन कर लो। या इलाही, मोहब्बत की बात और साथ कब्रिस्तान की बात, ये किस किस्म का आउट था, इतना मरियल शेर और इतना इस किस्म का के अफसुरदा शेर जो किसी रिक्शे के पीछे भी कोई ना लिखे, ट्रक, ट्रक, ट्रक। ये उस टाइप का शेर है, तो मुश्क का जोड़ा फिर बनता है इनका, क्या मुश्क का जोड़ा, मुश्क का जोड़ा बनता है इनका ना यार, वैसे मोहब्बत की बात की है तो फिर सोनम बाजवा का ब्रांड इनको बनता है, लेकिन ये किसको देंगे जाके ये बता दीजिए, उसको जिसको कब्र में पता नहीं क्या कर रहा है, अबे उसकी उम्र भी क्या एज है भाई, पढ़ने की उम्र है 14 साल, ये मोहब्बत मोहब्बत की नमाज कुरान पढ़े, ये लीजिए मुश्क का जोड़ा, घर पहुंचाइए, लाइए माइक, फॉरेन एसन के अंदर से इमरानुल हक, नो नो ही इज लाइक, ही इज अ वेरी यंग, बहुत बच्चा, मेरे बच्चे इस उम्र के हैं यार, इसलिए मैं बच्चों को तो अच्छी तरीके देनी चाहिए, शेर सुनाए नहीं, मैं बहुत सीरियस हूं इस मामले में भाई, सुना था ना। अच्छा जी इमरान भाई, आपके लिए एक सवाल बहुत जरूरी आया है, इमरान भाई से सवाल आना जरूरी है, अगर ऑडियंस में से एक खातून ने फोन किया, उन्होंने कहा कि घर में
मेरे से अच्छा सलूक नहीं किया जाता, शायद उनको अपनी बहू से शिकायत है, शायद उनको अपने आई डोंट नो किससे शिकायत है, लेकिन वो स्पेशली चाह रही थी कि अगर आप कुछ पढ़ने के लिए उनको बता दें कि वो खातून जो है वो सुकून से इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजारें, आप बताइए प्लीज़। जी देखिए, सबको एक बड़ा अच्छा सा वजीफा बताता हूँ, कुरान करीम का जी एक मिड है, यानी हाफ जहाँ पर कुरान करीम होता है, वल यतलतफ, ये सूरह कहफ की वल यतलतफ जो कुरान पाक का निस्फ है, बिल्कुल जी हाँ। अच्छा, तो हाईलाइट करके लिखा जाता है ना, तो अल्लाह ताला की एक तरफ सिफत मालूम होती है कि सिफत कितनी नरम है, अल्लाह ताला की नरमी को अल्लाह पसंद फरमाते हैं। वल यतलतफ का मतलब ये कि असहाब कहफ ने अपने साथियों को कहा था कि जो भी अब मार्केट जा रहा है खाना वाना लेने सोसाइटी जा रहा है तो वो नरमी से पेश आए, तो वल यतलतफ वला युशइरन्ना बिकुम अहदा, चाहें तो सिर्फ वल यतलतफ का विर्द रखें, ये खातून और जितने भी लोग देख रहे हैं जो बॉस से परेशान हो, घर के रवैयों से परेशान हो, कहीं अपने कोई कुलीग से परेशान हो, तो वल यतलतफ इसको विर्द में रखें इंशाल्लाह, वला युशइरन्ना बिकुम अहदा। इमरान भाई, इमरान भाई, खाली वल यतलतफ या पूरी ये आयत? वही कह रहा हूँ कि अगर किसी को पूरी आयत याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि वल यतलतफ वला युशइरन्ना बिकुम अहदा इसको पूरा पढ़ें, अगर पूरी याद ना हो तो वल यतलतफ ये भी याद ना तो या लतीफू। अच्छा, इसका विद रखा ठीक है। इमरान भाई एक जरा ना वाज़ह अल्फाज में एक बात बता दें जी, इस्लाम में जॉइंट फैमिली का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है ऐसा ही है? हमेशा हमने देखा है कि जब सहाबा कराम और उस वक्त भी जब शादियां होती थी तो एक अलग, चाहे छोटा सा ही सही लेकिन घर अलग होता था। पाकिस्तान में है अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली का सिस्टम, उसके बहुत फवाइद भी हैं, जहाँ हम सासों को हर वक्त कहते हैं जी सास ने ऐसा कर दिया, सास ने, ड्रामों में भी हम दिखाते हैं सास जुल्म कर रही है, बहुएं भी तो जुल्म करती हैं जी हाँ, बहुएं बेटों को वरगलाती हैं माओं के खिलाफ, उनको इस कंडीशन इस सूरत हाल में लेकर आ जाती हैं कि जैसे अभी इन्होंने कहा जो सवाल था कि माँ अपने घर में नौकरानी की तरह रहने पर मजबूर हो जाती है, तो ऐसी औलाद के लिए बहू के ऊपर तो कोई नहीं है ना कि उन्होंने सास ससुर की खिदमत करनी है, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज है, और उस बेटे का क्या होगा जो बीवी की बातों में आकर अपनी माँ के साथ सुलूक नौकरानियों वाला करता है। लेकिन राबे आपका सवाल तो बहुत वैलिड है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि कोई साथ करीब में रहता ना हो, ख्याल रखना, ये तो हम किसी दीन इस्लाम में तो गैर भी कोई होता है तो उसका भी ख्याल रखने का हुक्म दिया जाता है, तो ये कैसे एक लड़की इस बात से बिल्कुल मुबर्रा हो सकती है कि मैं अलग रहती हूँ और मैं आपको मिलूंगी भी नहीं और सलाम दुआ भी नहीं करूंगी, मेरा कोई हक और फर्ज नहीं बनता, ये नहीं हो सकता। लेकिन अपने घर में रहते हुए माँ बेचारी इस हाल में आ जाती है कि उसको कुछ भी करना उसके लिए वो आखिर साथ रहने के फराइज हैं, हकूक हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अब ऐसे औलादों के साथ क्या हो? और राबिया एक और चीज, एक आदमी ऐसा कभी घर अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो अपने माँ बाप के लिए भी अलग घर कर ले, नहीं बेगम को भी अलग घर ले जाए, वो नहीं अफोर्ड करते। इसलिए आप अगर पोर्शन अलग हो, इसलिए आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन देखिए, या सहाबा कराम को देखिए, एक एक कमरे में साथ साथ रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जहाँ पे कमरा था उसके साथ ही बीबी फातिमा और हज़रत अली का दूसरी जगह पे सामने था, साथ ही मस्जिद थी। क्या इमरान भाई कहेंगे? सवाल बड़ा अच्छा, और दोनों तरफ से मैं बैलेंस की जरूरत पे जोर दूंगा कि कहीं सोसाइटी में जिस तरह आपने कहा कि बहुएं जुल्म कर रही होती हैं, इस पर भी सच्चाई है कि भाई कहीं बहुएं इतनी तेज आ जाती हैं कि जो बिल्कुल सास को बर्दाश्त नहीं करती, तो उनको भी देखें, ये सिर्फ सोच के कि इस्लाम में मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वैसे अरब कंट्री के माहौल इस लिहाज से ज़रा बेहतर है, जॉइंट फैमिली वहाँ भी है, लेकिन यूजुअली होता है कि जब तक लड़का इतना स्टेबल ना हो जाए कि जो सेपरेट रह सके उस वक्त तक वो शादी नहीं करते। यहाँ पे ये मैं मशवरा देता हूँ कि कम से कम करीब करीब में घर ले रहे हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी टॉर्चर में गुजरने से कि चाहे सास टॉर्चर हो रही हो, चाहे बहू टॉर्चर हो रही हो, उससे बेहतर है करीब मिल के रहें, मोहब्बत के साथ रहें, सुकून के साथ रहें। अब जॉइंट फैमिली के जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं ये कहूँगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए उनकी जो तालीमात हैं, उन्होंने तो वैसे अब जब आपके घर बने थे तो सब अज़वाज मुतहरात के अलग अलग कमरे हुजरात जिनको कहा जाता है बनाए गए, और सहाबा किराम भी इसी तरह सेपरेट, क्योंकि उस जमाने में इतनी वो नहीं थी लग्जरियस की जी, बस अलग अलग पूरे बेंगलोर से आई हैं तो एक एक कमरा बना के उसमें गुजारा फरमा लिया करते थे। तो इसलिए आज के दौर में भी ये कि जहाँ जाहिर से बात हर एक तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता ना, पूरे पूरे घर ले लें, पोर्शन ले लें, वो ले लें, साथ रहें और ये माहौल देखें, बहुएँ भी देखें कि भाई वो भी किसी की माँ है, अगर वो उनके साथ अच्छा सलूक करती है माँ यानी सास, तो ये उनके साथ अच्छा रहें। और मैंने ऐसी मिसालें देखी भी हैं कि बहुत सारी जगहों पे सासें इतना प्यार देती हैं बहू को कि वो औलाद से ज़्यादा उनसे प्यार करने लग जाती है, यानी अब माँ और सास का उनका प्यार इतना होता है। लेकिन अक्सर जगह ये शिकायतें होती हैं कंप्लेन कि वो जब चूँकि बेटा ऑफिस गया होता है, पीछे क्या चल रहा है दोनों के दरमियान, अब आने के बाद ये अपनी दास्तान सुनाती है वो अपनी,
अच्छा ज्यादा मैं ये कहूंगा कि लड़कों को देखे मम्मी डैडी भी नहीं होने चाहिए। हाँ, वो भी बड़ा जो होता है कि बीवी को आप इग्नोर किए जा रहे हैं। हाँ, अब वो मॉल जा रही है, अम्मी कह रही मैं भी मॉल जाऊंगी, वो खाने जा रहे हैं, अम्मी कह रही मैं भी जाऊंगी। मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी, दोनों को इक्वल राइट्स दीजिए। लेकिन इमरान भाई एक बात है कि वेस्टर्न सोसाइटी में अभी जो रिसेंटली उनकी रिसर्च है उसमें जॉइंट फैमिलीज में जो लोग रहते हैं उनकी जेहनी कंडीशन ज्यादा बेहतर होती है। जो ग्रैंड किड्स यानी जो बच्चे अपने नाना नानी दादा दादी की कंपनी में ज्यादा टाइम गुजारते हैं वो बूढ़ों के लिए भी और बच्चों को भी ज्यादा इंटेलिजेंट करते हैं। Yes. और आजकल जो जेहनी दबाव डिप्रेशन एंजाइटी का जो नया दौर चल निकला है उसकी मेजर वजह लोनलीनेस है, जो अकेलापन, फैमिलियों से दूर, अलग थलग, जो लोग ज्यादा, पता है वेस्टर्न सोसाइटी में तो ये होता है। Yeah. अब वो वापस से अपने रूट्स की तरफ आ रहे हैं कि भाई हम उसी कंडीशन में ज्यादा बेहतर थे कि अल्लाह ने इंसान को बनाया ही एक यूनिट में है, मिलजुल के अच्छी तरह रहे। मैं ऐसी बहुत सी फैमिलीज को जानता हूँ जो बहुत अच्छा रहते हैं, जो नाना नानी और दादा दादी तरबियत करते हैं। अब मैं जैसे मेरे हस्बैंड काम पे हैं, वो अलग शहर में मुल्क में रह रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे बच्चे नाना नानी और दादा दादी संभाल रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं शायद इतनी अच्छी तरबियत नहीं कर सकती जो मेरे साथ करते हैं। और आप काम भी कर रही हैं साथ, यू वर्किंग, यू आर वर्किंग वुमन। जॉइंट फैमिली इज अ ह्यूज सपोर्ट सिस्टम, बहुत बड़ा, इट्स अ ब्लेसिंग। बस आपने दोनों तरफ से एक जो है ना बैलेंस रखना है। सियासत ना चल रही हो घर में, सियासत चलती है ना यहाँ पे, कभी कभी होता है बड़े भी सियासत शुरू हो जाते हैं बच्चों को और गला रखकर, वो ना हो तो घर का माहौल, जैसा आप अपनी मिसाल दे रही हैं, बहुत सी जगह जो अच्छा माहौल होता है ना तो वहाँ पर बड़ी अटैचमेंट रहती है, नानाओं से दादों से बच्चे अटैच हैं, इतना प्यार मिलता है कि वो एक इतनी खुशगवार जिंदगी गुजरती है ना, उससे बड़ा कोई ब्लेसिंग ही नहीं है। बिल्कुल सही है जी। एक हमें ब्रेक की जाने पड़ना है, इमरान भाई से अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल जरूर कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। अगर बिल्किस साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे कोई सवाल है डॉक्टर बिल्किस से, वो भी जरूर कीजिएगा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं नाज़रीन, पीटीवी की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज का दिन जो है आपका बेहतरीन अंदाज में गुजर रहा है। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद है। इमरान भाई आपके लिए एक सवाल, जो ब्रेक में जोरों शोर से सवाल आया वो ये कि हसद से बचने की दुआ बता दीजिए, क्योंकि एक तो मैं एक हदीस पढ़ रहा था उसका मफहूम भी कुछ यूँ है कि अपनी जो आप नेमतें इस्तेमाल करते हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि लोगों में ज़्यादा उजागर ना करें, कि हर नेमत वाले से हसद ज़रूर किया जाता है, ऐसी हदीस है। तो क्या कहेंगे आप लोगों से कि क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से बचना चाहिए, थोड़ा उनका बिहेवियर भी बताइए। एक तो देखें उमूमन जो ना मैंने देखा है न्यू जनरेशन में खासतौर पर कॉन्सेप्ट कहीं भी जा रहे होते हैं, अब ज़ाहिर है मेरे भी फैमिली में बैठना होता है, कहीं भी बेतकलीफ भी जहाँ होती है उनसे बोला भाई स्टेटस लगाना है, लोगों को जलाना है, मेन सबसे पहले ये मोटिव होता है लोगों को जलाना है आज, कि भाई जल्दी से लगाओ स्टोरी लगाओ लोगों को जलाना है। स्टोरी डाल दो। हाँ, अब वो स्टोरी डालते हैं इंस्टा पर डालें किसी पर डालें, जलाना मकसद होता है। देखें एक तो कभी भी अपनी नीयत ये ना रखें कि आपको जलाना है, शो ऑफ कम से कम करें, करते हम भी ज़ाहिर हम भी डाल लेते हैं इंस्टा पर सब चीज़ें, एक शो ऑफ, लेकिन वो होता है उस चीज़ का जिससे कोई पॉजिटिव एक वाइब्स आ रही हो ना, सिर्फ ये दिखाना चिचोर पर वगैरह तो मुनासिब नहीं है। हाँ, चिचोर पर चिचोर तो किसी सूरत मुनासिब नहीं है, हमारे तो वो यानी अगर हमारी सोच ही है, अगर आप शेयर कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई आपसे हसद कर रहा है तो उससे क्या बचने का मिसाल के तौर पर मैंने अहसन के साथ नमाज का एक छोटा सा क्लिप डाला, वो एक पॉजिटिव मैसेज है कि वो लोग समझते हैं ना ऐसा नमाज क्यों पढ़ते होंगे, हम वहाँ सेट पे नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, रमजान ऐसे जाया कर रहे हैं, हम रमजान जाया कर रहे हैं, एक पैगाम है कि देखें हमारे सेट पे माशाल्लाह नमाज भी हो रही होती है, नाते भी हो रही होती है, कलाम भी हो रहा है। मैं इमरान साहब सोचती हूं कि हमें क्या जरूरत है कि हम लोगों को बताएं, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन देखिए मैसेज नहीं होता ना, नहीं एक अच्छा इमरान भाई अच्छा मैसेज आप सही कह रहे हैं, नमाज दिखा रहे हैं तो नमाज दिखानी चाहिए। हमारी आवाम अब उस चीज से बहुत दूर चली गई है कि उनको आप कोई चीज दिखा के सोचें कि पॉजिटिव मैसेज है लोग, क्योंकि मुझे लगता है लोगों ने डिसाइड ऑन सोशल मीडिया, जो माई ऑडियंस
ऑडियंस यहाँ आई है ना, ये बहुत अच्छे लोग हैं और ये रियल लोग हैं। जो सोशल मीडिया पर एक फेक अकाउंट के पीछे तस्वीर नहीं लगी हुई, कुछ नहीं है, पीछे से किसी को कुछ बुरा कह रहे हैं, तो वो एक पड़ोसी मुल्क की एक्ट्रेस है, उन्होंने कहा था कि चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके पीछे की पेंट दीवार उखड़ रही होगी, वो बुरे हालात में होगा और उसको उसका दिल खराब होगा, दुख में होगा और उसने मेरे बारे में कुछ बुरा लग दिया, तो यार आई डोंट केयर। तो जरा परवाह भी कमी करनी चाहिए। अब आदत हसद से बचने के लिए कि खुद सबसे पहले अपने आप को हसद से बचाएं, हम हसद किसी से ना करें, किसी को जेलिसी के लिए कोई चीज़ें शॉप ना करें, और दूसरे वो सूरह कौसर 11-11 मरतबा सुबह शाम पढ़ा करें, तो उसके आखिर में आता है इन्ना शानी का होल अबतर, वो हासिल अगर होगा भी तो उसके शर से आप महफूज हो जाएंगे। अच्छा, इन्ना शानी का होल अबतर, खूबसूरती से लोग बहुत हसद करते हैं, खूबसूरत लोगों से लोग हसद करते हैं, लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसे होती हैं जो कि चेहरे से भी, अपनी नीयतों से भी, आमाल से भी बड़ी पॉजिटिव होती हैं और पॉजिटिविटी को वो स्प्रेड करते हैं जहाँ भी जाते हैं, और ऐसी ही एक बहुत प्यारी पाकिस्तान की हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री का नाम है, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, शी इज़ अ पोलाइट सोल, आई नो हर सिंस वेरी लॉन्ग, ऑफ कोर्स एसन भी जानते हैं कि कितने अच्छे से उन्होंने हमेशा डिसेंटली काम और उनको भी किया आप है। बहुत से प्लेज में देखते yes. हैं और बहुत अच्छे कैरेक्टर्स भी yes, करती yes, हैं yes, yes. और हमेशा जब भी इंटरव्यू भी देती हैं बहुत ही धीमे लहजे में सबसे बात भी करती हैं, तो प्लीज वेलकम नवाल सईद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। रमजान मुबारक एक बार फिर। रमजान मुबारक। नवाल की गपशप होती रहती है लेकिन मिलते हम रमजान में। अस्सलाम वालेकुम नवाल, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। लुकिंग वेरी नाइस एज ऑलवेज। थैंक यू। अच्छा, आजकल आप तमाम रमजान शो में जा रही हैं, मैंने नोटिस किया। ये हमारा साल जाती है। नहीं, काफी हर साल जाती है। दिस इज माय थर्ड रमजान। थर्ड ईयर हो गई, पांच उनमें से तीन तो मैंने कर लिए। दिस इज द थर्ड वन यू सेड। यस। और अभी बाकी दो रह गए, दो तीन? नहीं, अभी तक तो उसका कोई प्लान नहीं। एक आदमी तो गेस्ट है ही ना, तो उसमें नवाल कैसे जाएंगे? शायद उसमें गेस्ट नहीं है तो मुझे लगता है मेरे नवाल को नहीं बुलाया, वरना नवाल अभी तक आ चुकी होती हैं। फर्स्ट अशरे वाली गेस्ट है हमारी, क्योंकि बातें बहुत प्यारी करती हैं इंसान। बातों में से पहले सबसे ये बताइए कि आजकल कौन सा प्रोजेक्ट ऑन एयर और कौन सा कर रही है जो ऑन एयर होने वाला है? अच्छा, दिस इज प्रोजेक्ट that I'm doing, उसका नाम है हाबिल काबिल, वो ऑन एयर होने वाला है और जाने जहाँ चल रहा है। अच्छा। जाने जहाँ चल रहा यश्मा है, यश्मा भी हाबिल काबिल में, यश्मा भी है, आगा है, असद है। अच्छा, हाबिल नाम है या हाबिल? हाबिल और काबिल है या हाबिल काबिल है? हाबिल और काबिल नाम। अच्छा। हाबिल और काबिल, ठीक है, हाबिल काबिल नहीं है, ठीक है। और उसकी स्टोरी कुछ है, किस तरह की? गुड एंड बैड ही है। Good and bad. Yeah. अच्छा, good and bad, good and evil. Concept वही उनका है, evil and. अच्छा, कौन सा character play करने में बहुत मजा आया अभी तक जितने plays किए? I liked playing Gulzeb in जाने जहाँ, मुझे अच्छा लगा, और मुझे थोड़े से यू नो आई लाइक प्लेइंग ग्रे कैरेक्टर्स, वरना मोस्टली मुझे जो है अच्छी सी प्यारी सी मासूम सी। वो सिर्फ आपको नहीं, वो बहुत सभी लड़कियों को ये कैरेक्टर मिलते हैं, रोने धोने वाली। मुझे तो बहुत ज्यादा ही होता है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, उससे आंसू टपकते हैं, तो लोग कहते होंगे यार क्या बात है ना, क्लोज अप में आंसू टपक रहे हैं। अच्छा, रमजान में क्या रूटीन होती है शूटिंग्स की और शोज की, और रोजे भी साथ गुजरते हैं, किस तरह से करती हो? अच्छा, अभी इट्स कंपैरेटिवली इजी क्योंकि अभी मेरे मैं कोई प्रोजेक्ट करने आजकल शूट नहीं कर रही, नहीं कर रही। So you're mostly at home? I'm mostly at home. Okay. Otherwise, I would go to an interview या कोई shoot है। And you're also running your clothing brand. Yeah, yeah, I'm doing that. Lace for Grace के नाम से बड़ा अच्छा brand है इनका, जिसको वो कब शुरू किया भाई? अब उसको डेढ़ साल हो चुका है। और is it doing well? ये उसी के पहने में? नहीं, ये क्या है? मैंने अस्मा पास से भी उस दिन पूछा, आप अपना brand पहने कहती नहीं, फिर मैंने किसी और से पूछा अपना, नहीं। वो इसलिए शायस्ता से पूछा, शायस्ता नहीं पहन के आई। मैं बेसिकली फोटोशूट खुद करती हूँ उसका, मतलब आई वेयर द क्लोथ्स। और वो बड़े फ्यूजन वेस्टर्न एंड ब्लेंड ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, तो मैं इतना पहन लेती हूँ कि मैं कहती हूँ कि आई वांट अदर पीपल टू वेयर, लाइक रावे आल्सो वोर माय क्लोथ्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन वेयरिंग माय क्लोथ्स ऑन अ वेरी स्पेशल डे। या वेरी स्पेशल डे इंडीड। व्हाट स्पेशल डे वाज इट? आई कांट टेल यू। दैट इज दैट इज आई विल टेल यू ऑफ इट। इट्स स्पेशल डे बट इट्स प्राइवेट। नो नो, इट वाज नॉट प्राइवेट, इट वाज वेरी वेरी पब्लिक ऑन टीवी। या मैं थोड़ा नाइव हूं, मैं इतनी खबरें रखता नहीं हूं। आई गॉट इट फ्रॉम अ शो एंड एवरीथिंग। आई वोर नवाल आपका एक
And you know me, I'm very what I am. Funny tha, maine aisi show ka ek clip dekha tha. I think you posted it where you saying, aaj aisan bartan dhoenge. रमजान में कुछ ज्यादा ही चीजें रमजान से निकल के अभी मैंने वो अमर के साथ हाथ ऐसे रखे खिंचवाया वो तस्वीर सबने लगाई है भाई मैंने उनको रमजान का ख्याल एक्सप्लेन किया कि हम साथ खड़े हुए और हाथ दूर रखा हुआ तो वो रमजान में मेरा एक डिफरेंट है कि मैं थोड़ा दूर रहता हूँ रमजान के अलावा हम जो काम दूर नहीं रहता हूं। नहीं दूर रहने से मतलब अगर डायरेक्टर बोले कि आप दोनों इकट्ठा काम कर रहे हैं तो वो तो हमें करना पड़ता है रमजान के शो में तो ऐसा नहीं है डॉक्टर बिल्कीस की वो हंसी आ जाए बिल्कीस साहिबा कहाँ भाग गई है बिल्कीस साहिबा आ जाए प्लीज कोई बात नहीं नवाल आप डॉक्टर बिल्कीस को जानते हैं जी बिल्कुल हैंड माइक लिया अच्छा आप माइक लगाइए किचन में आ जाएं हैंड माइक आज फिर आप आज फिर कपड़े मैच करके आए सारे देखिए सब सारों ने वासर भाई से मैच किए हैं हम दोनों से किए हैं वैसे मैच ब्लू एंड रेड क्यों हंस रही हैं इनको देखिए इतनी प्यारी लग रही है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अच्छे आपने बाल बनाए आज स्लीक एक तो बिल्कीस साहिबा इतना हंसती हैं डॉक्टर साहिबा कल मैंने कोई दवाई पकड़ ली उसको छुपा के हंसने लग पड़ी आज इसने कोई बात कर दी इस पे हंस रही है अभी आप क्यों हंसी हैं बताए माइक करें हमारा वो रजिस्टर्ड हो जाएगा बताएं बताएं आपने बोला था ना मैं रमजान में दूर रहता हूं बाकी नहीं रहता तो शी स्टार्ट लाफिंग अच्छा किचन में आ जाए यार किचन में आ जाए राधे बहुत बोलती है वैसे आप माशाल्लाह मैंने देखा है आपको चुप कराना भी था मुझे पैसे मिलते हैं मुझे बोलने के आए सब ने अस्सलाम वालेकुम आई एम आल्सो मैचिंग विद रेड यू नो व्हाट आज हमारा पूरा कास्ट एंड क्रू सिवाय एहसन खान जो है यहां पे रेड पहन कर आए हुए हैं बट आई एम मैचिंग विद एहसन या ऑफ कोर्स वेयरिंग ब्लू और इमरान भाई है मेरे साथ व्हाइट उन्होंने ब्लू किस व्हाइट हर चीज के साथ जाता है रेड के साथ मुझे क्यों बीच में फंसा रहे हो मैं इमरान भाई है ना यार स्पेशल देखें मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं ना हाँ मौजूदगी का एहसास इमरान भाई एक मिनट खवातीन से पूछने से पहले आपसे पूछूंगा कि जब रोजा इफ्तार करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको खानी होती है वो क्या आपका दिल करता है कि मुझे ये मिल जाए टेबल पे बस मैं तो उसे डायरेक्ट खजूर के बाद ना रोटी सारा नहीं खाता हूँ और रोटी सारा में आलू कीमा मुझे बड़ा पसंद है आलू कीमा मिल जाता फिर तो मैं तीन चार रोटी फोड़ जाता हूँ इकट्ठी ना पूरे महीने की डायरेक्ट फोड़ देते ये फोड़ देते तीन चार रोटियां फोड़ देते वो भी हंस रहे सर यार आप तो सही कल अच्छा हलवा नहीं खाते आप रोजा इफ्तार के हलवे वाला मौलवी नहीं हूँ कल इत्तेफाक से ससुराल में दावत थी तो वहां पे उन्होंने रमजान में पाए पकाए और मैं क्या था कल मेरे ससुराल में दावत थी हलवे वाला मौलवी नहीं हूँ तो ससुराल में दावत थी मेरे दादा ससुर ने दावत की थी तो आपके नए वाले ससुराल में आपकी दावत जी तो उन्होंने पाए बाद आपने बहुत रोटियां फोड़ी होगी ऐसी वैसे पाए पका रही हूँ पाए पे तो हाथ रुका ही नहीं और पाए के तो आपने कितने खाए अब ये भी बता दीजिए रोटियां नहीं गिनवाऊंगा नहीं आप बताए कितनी फोड़ी ये जो लफ्ज आपने बोला मैं छह रोटियां फोड़ी पूरे रमजान में इतनी नजाकत से चलूंगा कि मैंने एक पकौड़ा नहीं खाया कि मैं वेट लॉस करूंगा क्योंकि जाहिर आगे रुख्सती आनी है मेरी आगे शादी हो रही है आपकी तो अब हुआ ये कि वो ससुराल ही जाकर मैं तीन रोटियां कम से कम तंदूर की खा नहीं पाएगा तो तीन तंदूरी रोटी माशाल्लाह लेकिन पाए लाजवाब थे भी सहरी की अच्छा पाए बनाए किसने थे अच्छा ये भी कमाल की बात है पाए मेरे वो जो आमना मेरी बेगम है नहीं उसके दादा ने पकाए थे वो माशाल्लाह ऐसे जबरदस्त में हैरान हो गया दादा जो उसके वो उन्होंने खुद मेहनत से पकाया खुद लेकर आए वो खुद पका दे कुकिंग करते बहुत ही स्पेशल डिशेज की अच्छा तो ऐसे पाए थे कि मैं खाता रह गया और हाथ में चिपकते रह गए अच्छा अब वो देख रहे होंगे इस वक्त शो बिल्कुल देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ दिखा दूंगा बाद में रिकॉर्ड करके आप उनको ऑनएयर बोले आपके दादा ससुर हैं दादा ससुर आपको शुक्रिया आपके पाए मुझे रात भर याद आते आपके पाए नहीं भाई आपके पाए या रात भर याद आते रहे अरे दादा सर के पाए नहीं आपके पकाए हुए पाए यार कहाँ से कहाँ बात जाता आप लोग ना बंदा कुछ बोल ही नहीं सकता मुझे परेशान कर दिया आप लोगों ने मिल अच्छा आपके पकाए हुए पाए जो है ना वो थे वो बछिया के पाए थे बहुत लाजवाब थे बहुत अच्छे पकाए शुक्रिया आमना का भी उनके दादा का भी पूरे घर वालों का ठीक है अच्छा दूसरा एक और बाकी दर्द आप अपना वेट लूज कर रहे हैं शादी के लिए कर रहा हूँ कुछ हुआ है बिल्कीस साहब इनका वेट लूज हुआ पहले से बिल्कीस साहब नहीं वो देखने ही कभी कभी ज्यादा पहचानती है बिल्कीस साहब ऐसा तो नहीं ना वेट लूज करने से इंसान में कमजोरी आ जाती हो
माइक में बोले ना खुश है, क्या कमजोरी आएगी? खुश वो पाएगा कि इतना खुश है कि बस कमजोरी आएगी कैसे? नहीं टारगेट लूज करेंगे, टारगेट अच्छा, वेट कम करने का टारगेट नहीं है मेरा, सिर्फ थोड़ा स्लिम होने का ना, वेट में मेंटेन रखता हूँ। खाता ना सारे ताकत की चीजें अरब शेख खाते हैं ना, खजूर, जैतून और ये इस तरह की चीजें जो होती हैं नेचुरल चीजें, बादाम, ये चीजें मैं डट के खाता हूँ। और फिर उसका वॉक करना, ट्रेडमिल करना, जिम करना, ये चीजें मेरा शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिम अभी शुरू किया रुखसती से पहले? नहीं, ये तो मेरा पुराना शौक है, मैं करता रहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार, माशाल्लाह आप तो सेहत का ख्याल रखते हैं, हमारे इमरान भाई जबरदस्त हैं। थैंक यू इमरान भाई, आपने पूरी रूटीन हमने बताई, आपने भी जबरदस्त। सम्या आइए जी, किचन क्लोज करेंगे, ड्रिंक बनवाने हैं आज, हमने एक ड्रिंक बनानी है यहाँ पे, इनफैक्ट बल्कि आपसे ही बनवाएंगे, एंड क्योंकि आई एम गेसिंग वी आर अ लिटिल बिट शॉर्ट ऑन टाइम। नहीं नॉट रियली, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सोडा है, सोडा को प्लीज हम लोग ब्लेंडर में डाल दें अलोंग विद द टू जूसेस जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, दैट इनमें से एक जो है वो रेड ग्रेप है और दूसरा जो है वो है ऑरेंज, बोथ रेड ग्रेप्स एंड ऑरेंज जूस। अच्छा, इस ड्रिंक का भी नाम क्या है? एनी गेसेस? नहीं मेरे को दिमाग नहीं चल रहा। ये है जाम शीरी के साथ बनता है और इसका नाम है रेड क्वीन मॉकटेल। आज सारी क्वींस यहाँ पे रेड पहनकर आई हुई हैं। और लेमन जूस डालेंगे एंड ऑफ कोर्स एवरीवन्स फेवरेट करशे जाम शीरी, करशी का जाम शीरी। हाउ मच? जी 3 tablespoons. नाउ हाउ कैन आई मेजर? आई विल टेल यू एंड दैट्स इट। जबरदस्त भाई, क्या बात है। तो करशे जाम शीरी क्यों हमने इस्तेमाल किया वैसे आज, एनी आइडिया? क्योंकि हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ऑरेंज जूस आधा कप, सुर्ख अंगूर का रस यानी रेड ग्रेप्स 1 cup, जाम शीरी 3 खाने के चम्मच, सोडा 1 cup, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, आइस क्यूब्स और पुदीना हस्बे जरूरत फॉर गार्निशिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? अगर ऐसे ने कोई और ऐसी बात की कैसी, या इमरान साहब को आपने तंग किया उनकी रुखसती के हवाले से, तो फिर मैंने ये वॉकआउट कर जाना है आज। हाँ, आज आप यहीं से आज किसका जोड़ा पहन के वॉकआउट कर दीजिए। दो हमारे पास ग्लासेस मौजूद हैं गार्निशिंग्स के साथ, तो इनको फिल करके रख दें प्लीज। ओहो, अच्छा इसको थोड़ा सा नवाल, एक मिनट प्लीज, इसको ऐसे डालें। कैसे? दूर से ना, ऐसे ये यार, आपको किसने कहा आप छेड़ सारा नीचे गिरा दिया यार, छेड़ने का हक यार, इतनी खुशबू अच्छी आई, स्वेल स्मेल्स रियली नाइस। ये देखिए, अब गिरा है कुछ नीचे? यस, समिया गिर रहा है, आप बताएं। डोंट, इफ यू टच इट तो नेचुरली इट विल फॉल। अच्छा एक मिनट, ये देखा जो आपके इफ्तार में भी रिफ्रेशिंग रहेगा और इसके बाद भी आपको एक मजेदार सा डिलीशियस जायका देगा। हम लोग टपाल दानेदार, हम सब के सब मिलके टपाल दानेदार का एक कप एंजॉय करेंगे, मैं आप और एक मिनट, नहीं, ये तो देख लो यार, यार ये आई स्वेयर बहुत अच्छे बने हैं, ये जरा चेक करें। अच्छा, टपाल दानेदार भी जरूरी, लेकिन मोमोज जो है वो जरा गौर से देखते हैं। आपने पैन पैन सियर करके उसके बाद फिर स्टीम हुए हैं। अच्छा, पैन सियर एंड देन स्टीम। यस, सो 1/3 इट्स पैन सियर एंड देन। अच्छा ये तो बता दो ना जल्दी से, ये हमने डंपलिंग सॉस बनाया है। अच्छा बनाया है, बिल्कुल चिली ऑयल, चिली ऑयल, बिल्कुल चिली ऑयल के साथ हमने एक डिपिंग सॉस बनाया है। इसके अंदर सिरका भी है, इसके अंदर लेमन जूस भी है, इसके अंदर हमने गार्निशिंग के लिए स्प्रिंग ऑनियंस और तिल भी इस्तेमाल किया है। बिल्कुल खा जा रोज़े, नहीं ये देखते हैं आगे जरा क्या होता है। अच्छा रोजे के बाद इसके ऊपर तो नहीं डालना, लेकिन इस पे डिप करके डाल। यस, इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन जब उसका एक बाइट लें और जब अंदर पॉकेट सी खुलेगी तो उसके अंदर भर के फिर बाहर एक और ही अलग मजा है। बट दिस लुक्स वेरी टेम्पटिंग, ऑनेस्टली इट लुक्स वेरी नाइस। और तमाम हमारा किचन समेटा गया है, सब हम क्या कर सी, एवरीथिंग इज क्लीनड अप हियर, सो दैट्स बिकॉज़ ऑफ लेमन मैक्स बार, क्योंकि ये कम घुलता है तो ये ज्यादा लंबा चलता रहता है। तो लेमन मैक्स बार को हम लोग इस्तेमाल करते हैं हर रोज हमारे किचन में। ठीक है, नवाल ब्रेक पे जाएंगे, नवाल ब्रेक लो सामने, right क्या बोला है? क्या बोला है? बोलो बस, ब्रेक पे जा रहे हैं, अभी कुछ देर में हाजिर होंगे। रमजान पाकिस्तान में, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमें देख रहे हैं रमजान पाकिस्तान में, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे और थोड़ी देर में हम वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। नवाल हमारे साथ मौजूद हैं, एक मरतबा फिर नवाल को वेलकम कहते हैं। बिल्की साहिबा हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा को भी वेलकम कहते हैं। और इमरान भाई भी है, वासिल भाई भी है, सेट पे बहुत रौनक है। और बच्चों ने भी ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप सब? आज क्या होने जा रहा है, कौन क्या सुनाएगा? हाँ क्या, मैं सबसे ज्यादा ये तैयारी करके आता है। पूरे पाकिस्तान को अपना नाम तो बताओ पहले। पोएम। पोएम। नाम पोएम है। What's your name, dude? अली अब्बास। अली अब्बास। ठीक है, पता चला। चलो जी बताएं पोएम, बताएं क्या है। बताएं नाम। आलू मियां कहां गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। ऊपर ऊपर ऊपर। बैगन ने बैगन ने लात मारी, रो रहे थे। गाजर ने प्यार किया, आज हम लग रहे हैं, हंस रहे थे। मटर से कीड़ा निकला, डर गए थे। कीड़े ने भाव किया, भाग गए थे। वेरी गुड। अच्छा, ये रोज आके ना कभी जलेबी, कभी समोसा, कभी गाजर, कभी मूली, हमेशा खाने पीने की बातें करते। बचपन की फेवरेट पोएम कौन सी थी? मुझे ये नहीं याद, मुझे वो कोई और याद है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, याद भी नहीं, याद है? डू यू नो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम ट्रेम्बलिंग आफ्टर समथिंग लाइक दैट। या और कोई नवाल बचपन की कोई ऐसी पोएम जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? ट्विंकल ट्विंकल ये सुनिए, ये वाली बहुत फेमस है, वो याद आ रही है, वो तो सबको आती है। बाबा ब्लैक शिप। बाबा ब्लैक। अच्छा, किसी को वो आई है, चुन्ना मुन्ना दो चूजे थे, किसी को आती है? मैं सुनाऊं? सुनी हुई है, सुनाएं। मैंने सुना भी नहीं है। ये कहानी भी है, ठीक है, म्यूजिक के साथ। 1 2 3। चुन्ना मुन्ना दो चूजे थे, एक दिन दोनों घर से निकले, दाना चुगने बाग में आए। चुन्ना एक दाने पे लपका, मुन्ने ने एक कीड़ा देखा, पतला पतला लंबा लंबा। चुन्ने ने मुन्ने को बुलाया, कीड़ा दोनों ने मिलकर जोर लगाया। कीड़ा बाहर खींचता आया, खींचता आया, खींचता आया। बाहर निकला तो क्या देखा, इतना मोटा ताजा चूहा। चुन्ना मुन्ना डर कर भागे, चुन्ना पीछे मुन्ना आगे। आप क्यों हंस रहे थे बीच में पोएम में? बोटे चूहे पे और चुन्ने मुन्ने और फिर कीड़े पे, मतलब मैं समझा नहीं, पहले कीड़ा या फिर चूहा। हाँ, कीड़ा वो उनको दुम मिली ना, दुम मिली, उनको लगा कीड़ा था, उन्होंने बाहर खींचा, जब खींच के निकाला तो मोटा मोटा चूहा। अक्सर लोग धोखा खा जाते, बहुत चीजों में खाना नहीं चाहिए, इतनी इजीली धोखा निकाल जाते, लगता ही है कि मोटा चूहा लेकिन निकलता है कीड़ा, ये भी है, इसलिए सोच समझ के कार्रवाई डालनी चाहिए। जी पहली सुनानी, पहली चले। वो क्या चीज है जो हम खाने के लिए लाते हैं लेकिन उससे खाते नहीं है? वो क्या चीज जो खाने के लिए लाते लेकिन उसे खाते नहीं है? बिल्कुल सही, कांटा। प्लेट, प्लेट, चम्मच। खाने के लिए चम्मच। ऑफ कोर्स कांटा भी, ठीक है जी। और कौन, किसको पहली याद? वो पहली, दूसरे वाला भी पूछो जी, पूछो। वो चीज है जो नीचे आती है, ऊपर ऊंचा बोल। वो कौन सी ऐसी चीज है जो नीचे आती है ऊपर नहीं जाती? बारिश। ग्रेविटी से वैसे हर चीज ही नीचे जाती है, और उम्र के साथ, मतलब वैसे तो जिंदगी के साथ साथ हर चीज, इंसान के बाल, आगे हर चीज नीचे को जाती है, ऊपर कुछ नहीं। अच्छा बेटा, मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहता हूँ। जी बेटा। ओ रम पम पम, ओ रम पम पम, बुल 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 रम पम पम, ओ रम पम पम। ओके, चलो चलो गाते हैं। ओ रम पम पम, ओ रम पम पम, बुल 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 रम पम पम, ओ रम पम पम, ओ रम
बोलो 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 रम पम पम सर को घुमाओ खुद तो तेज गाओ हाथ में को हिलाओ और सर को सब रम पम 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 फिर रेस लगाएंगे हम ओ रम पम पम ओ रम पम पम बोलो 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 रम पम पम वेरी नाइस अरे यार ये माशाल्लाह इतना रिदम में है एंड ही सो गुड ही कॉट द बीट इमीडिएटली एंड ही सिंगिंग सो वेल इसका ये मैंने कल भी नोटिस किया था मुझे लगा शायद वन ऑफ तैयारी लेकिन ये तो क्योंकि म्यूजिक प्रैक्टिस होती नहीं अभी शुरू हुआ एंड ही वाज इन द रिदम वेरी नाइस यार इसके जो पेरेंट्स हैं उनको ये बात नोटिस करनी चाहिए कि ये बच्चा जो है बहुत टैलेंटेड है बहुत रिदम है ही सिंग्स रियली वेल सो अंडर ट्रेनिंग में है ये नहीं ले फोन ले ले इसको ट्रेनिंग कराएं आपके कौन आए पेरेंट्स और क्या अम्मी अबू आए मेरे साथ कौन आए कहाँ है कहाँ है वो बाहर है ओके सो इफ दे लिसनिंग एंड वॉचिंग तो यू शुड रेगुलरली ट्रेन योरसेल्फ नाथ भी पढ़ें और भी म्यूजिक से रिलेटेड आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अच्छा जी और क्या वेरी गुड मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं सुनाओ बेटा क्योंकि मुझे तो याद नहीं है तुम ही सुना दो दो बच्चियां होती हैं आलिया और आमना आलिया और आमना वो अपनी सर्दियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर घूमने गई हुई होती हैं ओके उसके बाद एक दिन आलिया और आमना देखती हैं एक बूढ़ा आदमी उनके घर के बाहर सर्दी से ठिठर रहा होता है वो एक पहाड़ी इलाका होता है तो वो अपनी नानी से इजाजत लेके उसके लिए कंबल खाने पीने का सामान और लकड़ियाँ लेके जाती हैं ठीक है अगले दिन वो अपनी नानी के घर से कहीं दूर पहाड़ी इलाके में खेल रही होती हैं तो उन्हें पता नहीं चलता और सुबह से शाम हो जाती है उसके बाद एकदम से काले बादल आते हैं और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और उन्हें अपने घर का रास्ता भी याद नहीं होता तो वही बूढ़ा आदमी आता है और उनको उनके घर तक खैरियत से पहुंचाता है तो यार इसका हमें मोरल ये मिलता है कि अगर हम किसी के साथ नेकी करेंगे तो हमें उसका सिला जरूर मिलेगा ओके आपको भी पहेली पहेली पूछनी है पूछे जी नवाल वो कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है नवाल ये तो सवाल हुआ ना पहेली वो तो नहीं पहेली है पहेली है वो कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है पहेली है तो फिर जवाब परिंदा ट्रिकी होगा अगर सवाल नहीं है और पहेली है तो जवाब पहेली है पहेली है भाई सवाल परिंदा है वो जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है अच्छा हमारे साथ ना मैं बच्चे मौजूद हैं और लेकिन ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ देर बाद हिना नसरुल्लाह ने एक बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा है जो ये रमजान पाकिस्तान का आप ये जो एक रेगुलर कलाम सुनते हैं ये भी हिना की आवाज में और बहुत सुफियाना जबरदस्त कलाम पढ़ती हैं और मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने उसको कंपोज किया है बहुत पाकिस्तान का बड़ा नाम है वैसे तो माशाल्लाह ये उनका एक्स्ट्रा टैलेंट है कि वो म्यूज़िक कंपोज भी करते हैं लिखते भी हैं बहुत से राहत फ़तेह अली ख़ान के शफकत अमानत अली के साहिर अली बग्गा के साथ और हिदा नसरुल्लाह के साथ इनफैक्ट आई रिमेंबर 2 years back महवेश हयात ने एक कलाम पढ़ा उनके साथ और बेशुमार लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं और मेरा भी उनसे कमिटमेंट हुआ ये कलाम बनाएंगे वो मेरे लिए भी तो हम कुछ देर में उनसे बात भी करेंगे कलाम भी सुनेंगे थोड़ा उन्होंने कंपोज भी किया और लिखा भी है बिल्कुल अच्छा नवाल मुझे ये बताइए कि आप जो है रमजान में खास तौर पे डू यू कुक समथिंग घर में कुछ बनाती हैं या सिर्फ जब इफ्तार के लिए बस बैठती हो अगर मैं शूट ना कर रही हूं तो फिर मैं मदद करवा देती हूँ ऐसा नहीं कि कोई चीज प्रॉपर बनाती हूँ मैं हर चीज में थोड़ा थोड़ा मदद और रमजान में दांत कितनी बार साफ करती हूँ रात में और फिर इफ्तार के बाद करती तो कोलगेट जो है आप जानते हैं कोलगेट दांतों के लिए बहुत जबरदस्त है इसका जो कैल्शियम फॉर्मूला है दैट इज ब्रिलियंट जो दांतों को और स्ट्रॉन्ग करता है और स्पेशली हमें गजाइयत तभी मिल सकती है जब हम अच्छी तरह चबाएंगे और खाना पेट में जाएगा चबा के तो फिर ही उसकी गजाइयत बॉडी में मिलती है स्पेशली बच्चों के लिए बहुत जरूरी है दांत बार बार साफ करना क्योंकि दांत स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल सही है जी नेचुरलाइज की जाने मजीद स्ट्रॉन्ग करते हैं डॉक्टर बिल्कीज के टोट के और जी कौन कहां मैं बुला रही हूं मैं पूछना चाहती थी आप दोनों से कि आप लोग का फेवरेट डिश कौन सा है मेरा तो फेवरेट डिश बिरयानी है आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट मेरे ख्याल मुझे जो कीमा किसी तरह का बना हुआ कीमा बना हुआ मिर्ची वाला कीमा मटर कीमा किसी की कीमा प्याज और आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट
कोई भी नहीं बेटा नहीं मैं वैसे एक्चुअली मेरा टू बी ऑनेस्ट वेरी वेरी फेवरेट इज इस्लामियत लेकिन बट इस्लामिक हिस्ट्री इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है हाँ पढ़ी भी और इंग्लिश लिटरेचर क्योंकि मुझे अफसानों से चाहे वो इंग्लिश में भी हो उर्दू में भी उनसे बहुत दिलचस्पी आई वाज ऑलवेज और नवाल आप बताओ नवाल से भी तो पूछो नवाल से नवाल मेरा था साइकोलॉजी और इंग्लिश लैंग्वेज हां साइकोलॉजी का फायदा हुआ कुछ थोड़ा कैन यू रीड पीपल इजीली नाउ नो इट गो टू आप इट्स फॉर योरसेल्फ या 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 आई डोंट थिंक दिस कैन हेल्प as long you can study it like in real life mein agar if you have feelings associated ya you like somebody as a friend or otherwise to fir aap ye sari cheeze wo minus ho jati dimag se psychology nahi the so I don't think so aap aisa hota hai but career wise to aap isko pursue kar sakte ho na jo psychiatrist bante hain psychologist bante hain it has helped me a lot otherwise but in life to ठीक है अच्छा नेचुरलाइज के टोटके बड़े जबरदस्त होते हैं नवाल अगर कोई टोटका पूछना चाहती हो तो आप जरूर पूछना आए, आए। क्या चाहिए टोटका बालों के लिए किस चीज के लिए चाहिए आंखों नहीं आंखें तो बहुत बड़ी हैं बाल भी बड़े हैं लंबे हैं और क्या रंग किस चीज दाने भी नहीं है किस चीज के लिए चाहिए टोटका नवाल कैन आस्क फॉर ड्राइनेस एंड डैंड्रफ हां ड्राइनेस एंड डैंड्रफ अच्छा देखिए उसके लिए आप पीनट ऑयल लगा सकते हैं और पंपकिन सीड ऑयल लगा सकते हैं पंपकिन सीड ऑयल और पीनट ऑयल अच्छा इमरान भाई को आज टोटका पूछना आउट ऑफ ऑल द पीपल मुझे समझ नहीं कि इमरान भाई ने क्यों बोला कि मुझे आज टोटका पूछना क्या टोटका पूछना था आपको बिल्की साहब से वैसे टोटके तो बहुत सारे ध्यान में आते हैं अभी जो बात हुई चेहरे के बारे में तो मेरे जो ना वो स्किन चेहरे की ऑयली बहुत है कोई भी चीज़ लगाओ ना भी लगाओ थोड़ी देर में एकदम शाइन करने लग जाती है उससे मुझे बड़ी उलझन होती है ये तो बहुत अच्छी है दिस इज गुड ये पूछे थे कि नवाल नहीं बोला राबे ने सबने बोला मैं रगड़ रगड़ के साफ करता हूं हर वक्त चमक रहती है मैंने ड्राइनेस का पूछा आप शाइन का पूछ रहे हैं ड्राइनेस इससे वाजे होता है कि हम किसी हाल में खुश नहीं है अच्छा वैसे आज इमरान भाई के लिए भी नवाल के लिए भी नेचुरलाइज की प्रोडक्ट्स हैं उपटन है आपके लिए बनाना भी सिखा रही हूं और आप ले भी जाइए अब वो इमरान भी को उपटन खुद लगाएंगे बैठ के क्यों नहीं लगा सकते हो शादी से पहले वैसे भी लड़के उपटन लगाते हैं क्यों नहीं लगाते अच्छा लगा सकते हैं अच्छा मैं एक बात कहना चाहती हूँ देखिए डॉक्टर बिल्कीस का जो ये ब्रांड है नेचुरलाइज ये अपनी पूरी मेहनत के साथ कोशिश के साथ बहुत अच्छे तरीके से जो चीज़ें आप बताती हैं तो अपने ब्रांड्स में भी उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं क्योंकि बिकॉज आई हैव अ सैलून मेरे पास अक्सर ब्राइड्स जब आती हैं वो अपने चेहरे पर डॉक्टर बिल्कीस उपटन लगा के डिफरेंट कंपनीज का वो इतना बुरा हाल चेहरे का कर लेती हैं एक्ने शुरू हो जाती है स्किन के ऊपर वो क्योंकि उसको स्क्रब करती हैं तो वो रैशेज हो जाते हैं तो भाई अगर आपने उपटन का इस्तेमाल करना है क्योंकि शादी सीजन ऑन है आफ्टर ईद तो आप ये उपटन क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है और ये आपने नेचुरलाइज का उपटन खरीद कर यूज़ करना है ठीक है जी अच्छा देखें आपने राबिया बिल्कुल सही कहा और दुल्हनों के लिए मैं ये कहूँगी कि आप ऐसा नहीं कि आपकी शादी तो 15 दिन पहले आप उपटन लगाएं और रोज़ाना लगाएं ये दुनिया का पहला नेचुरल स्क्रब है स्क्रबिंग डेली नहीं हो सकती ओके इस चीज़ को आप याद रखें आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट भी करा रहे होते हैं आप क्रीम्स भी लगा रहे होते हैं फिर आप उपटन लगा रहे होते हैं तो उससे क्या होता है केमिकल रिएक्शन होता है आपकी स्किन जो है उसको पे करना पड़ता है मैं आज आपको नेचुरलाइज का ही जो हमारा उपटन बनता है मैं आज अपने व्यूवर्स के लिए आपको बनाना सिखा रही हूं आप लोग कमाल बनाओ ने आप बिल्कुल आप लगा सकते हैं शी हैज दिस इन हर ब्रांड बट ये सिखा रही है कि घर में बना आप बिग ऑफ यू वेरी जेनरस अच्छा देखिए अच्छा बताएं तुरमुस के बीज अच्छा ये हर व्हाइटनिंग क्रीम में भी यूज होते हैं वैसे तो इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं स्किन को ब्राइटन कर देते जी ब्राइटन करता है और अगर इसको अच्छी तरीके से पीसा जाए तो ये पॉलिशर के तौर पर इस्तेमाल कर नेचुरल स्किन पॉलिशर ठीक है अच्छा दूसरा है कपूर कचरी ये आपके ऑर्डर बैड ऑर्डर होता है ना बॉडी का उसको ख़त्म करने में मदद करता है जो उपटन की एक अच्छी सी खुशबू होती है वो इसकी वजह से आती है कपूर कचरी फिर है बाल झड़ अच्छा बाल झड़ कभी भी आप गंदा वाला नहीं ले हमेशा अपनी क्वालिटी अच्छा रखिएगा चेहरे पर लगेगा ये जी बिल्कुल अच्छा, बाल झड़ ठीक है ओके नागर मोता ठीक है बादाम अच्छा ये है आंबा हल्दी अब आप लोग क्या कहते हैं आंबा हल्दी वो आप जो हल्दी गांठ वाली ले लेते हैं ना वो आंबा हल्दी नहीं होती हाँ। वो हल्दी होती है अदरक की तरह जो मतलब के अदरक के जैसी होती है पीली ये है। आम के जैसे गुठली होती है ना उस जैसी खुश्क हुई भी इसको कहते हैं चोट हल्दी हाँ ये जो होता है इसका उपटन का कलर आता है ये अच्छा। इसमें और है अर्जुन की छाल
कपूर भी आ गया, अर्जुन भी आ गया, बिल्कुल हो क्या रहा है ये, बिल्कुल फिल्मी उत्तन है, ऐसे नहीं है, यहाँ बड़ा बड़ी मजे की बातें होती, अर्जुन की ये, कपूर की वो, अर्जुन की चाल जो है ना वो बाइंडर है, आपके उपटन को बाइंड करता है बहुत जबरदस्त है, इन सारी चीजों को आपने लेना है, हम वजन, हम वजन पीस कर पाउडर बना ले, पाउडर बना क्या हुआ इसमें से मुझे सिर्फ बदाम का पता था, सिर्फ इन सारी चीजों में, आप बताइए प्लीज, आप मुझे मत देखें, आप बताइए आपको क्या हुआ, ये सारी चीजों को पीस कर पाउडर बना लीजिए, पाउडर जब बना लेंगे तो फिर ये बन जाएगा उपटन, उपटन, और अब उपटन लगाना कैसे ये बताएं, ये देखिए ये है, ये बन गया उपटन, अब इसकी आप खुशबू दूर से सुन देखे, आपको जो वही पुराने उपटन की खुशबू है वही आएगी, यू वांट टू स्मेल, बहुत ज्यादा स्निफ ना करना, अब आपने क्या करना है, नाक के अंदर चला जाएगा ना, एक चम्मच अगर आपने उपटन लिया है तो दो चम्मच आप ड्राई मिल्क भी ले सकते हैं और पानी में मिक्स करके, पानी में या दूध में, दूध में मिक्स करके आप, और दही में भी मिक्स करके आप लगा सकते हैं, ये आप फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं, इसके दूध से क्या फायदा, मिल्क साहब मिल्क अच्छा होता है, अच्छा स्किन को मिक्स हो जाता है, ओके इट्स गुड फॉर योर फेस, या इट्स अ गुड टोनर, ओके ओके ठीक है, तो आप ये लगा सकते हैं, वैसे नेचुरलाइज में हमारे पास टर्मरिक उपटन, यमुना की कॉल ले लें, यमुना लाहौर से बात कर रही है जी, अस्सलाम वालेकुम यमुना, क्या कहेंगी आप, क्या पूछेंगी बिल्की साहब से, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम भाई कैसे हैं आप, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं, जी जी फरमाइए, मैंने ये कहना था कि मुझे डॉक्टर बिल्कीस से ये क्वेश्चन है कि यूटीआई का ट्रीटमेंट बता दें, यूटीआई का ट्रीटमेंट, ठीक है जी, यूटीआई की इन्फेक्शन बहुत लोगों को हो जाती है, खवातीन को खास में, ठीक है, पानी कम पीने की वजह से भी होती है, ठीक है, इसीलिए कम से कम 8 ग्लास पानी पिए, इमली आलू बुखारे का शरबत जरूर पिए, खवातीन के लिए सफ़ेद लोबिया बहुत अच्छा होता है कि सफ़ेद लोबिया का को पाउडर बना ले, 1 चम्मच और 1 लीटर पानी में डालकर जैसे पूरा दिन वो पीते रहे सफ़ेद लोबिया, और कच्ची लस्सी आपने बताया था जी, कच्ची लस्सी बेहतरीन होती है, उसके अलावा क्रैनबेरी बहुत अच्छा होता है, उसके अलावा लेमन बहुत अच्छा होता है, और सफ़ेद ज़ीरा बहुत अच्छा होता है, सफ़ेद ज़ीरा कैसे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच आप 1 कप पानी में उबाल कर जैसे रात को रख लें, सुबह उसको पी लीजिए, कुछ सवाल लोगों ने यूं भी भेजे हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए ये सारी चीजें बहुत अच्छी है, जी पूछे ऐसे जी, अच्छा जैसे इन्होंने ड्राइनेस का पूछा, इसी तरह वो खुश्की का कोई मुझसे पूछ रहा था कि खुश्की बहुत ज्यादा इतनी में। सर में होती कि हर वक्त हाथ सर में रहता है और फिर वो गिरती भी, और जैसे वो स्किन पे स्कैल्प पे वो नहीं बन जाते पपड़ियां बन जाती हैं, उसका क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है, देखिए जिनको भी ना इस तरह की सिचुएशन होती है उनको B12 ज्यादा लेना चाहिए, विटामिन D3 चेक करवाना चाहिए, अगर उसकी कमी है तो वो पूरी करना चाहिए, ग्लूटेन फ्री हम आपको हमेशा बताते हैं, यानी कि वीट और चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, एक मुट्ठी बादाम रात को आप भिगो दें, सुबह इसके ऊपर वो छिलका उतार कर जिनकी स्किन ड्राई होती है वो ज़रूर खाएं, आहिस्ता आहिस्ता, और इसका जिस तरह ऑलमंड मिल्क भी बना सकते हैं, वेरी हेल्दी, आप सुबह जो है ना ये पी लीजिए, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, कान में सरसों का तेल हर 3rd दिन डालिए, अच्छा दोनों कान में 1 ड्रॉप, उससे खुश्की कम होती है, उससे एज साइन कम होते हैं, खुश्की कम होते हैं, अच्छा और इसी तरह ड्राइनेस को खत्म करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे इस तरह ये करके ना ये रख के ये वाला पॉइंट है, ओके मतलब हाथ आपने रखा और फिर ये वाला पॉइंट, और सरसों के तेल से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ओ अच्छा ठीक है, ये आपने सुबह के टाइम करना है, आप देखेंगे सरसों के तेल से या किसी भी सरसों का तेल, इसमें इसकी शर्त ये है कि अच्छा एक और सवाल, ये श्रीलंकन ट्रीटमेंट है, थेरेपी है जो कान में सरसों का तेल और ये वाला जो पॉइंट, गला खराब होता है तो लोग कहते हैं इस जगह पे मालिश करें, बिल्कुल होता है, बिल्कुल और भी जगह जहाँ पे आप मालिश करें तो दूसरी जगह में बहुत इफेक्ट होता है, जी ताहिरा, ताहिरा साहिबा है हमारे साथ फोन पे, ताहिरा साहिबा क्या कहेंगी आप, अस्सलाम वालेकुम, जी मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं, डॉक्टर जी साहिबा से पूछना था कि मेरी स्किन बहुत रेड हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है, अच्छा क्या वो रैश टाइप होते हैं, कुछ चाहिए आपको, क्या चाहिए दोनों में से, अभी चूज कर लो जल्दी से, क्रीम चाहिए, क्रीम चाहिए, अच्छा ठीक है, मैं आपसे ताहिरा पूछ रही हूँ आपकी स्किन रेड कहाँ होती है, धूप में होती है, चूल्हे के पास जाती होती है, जी जी
क्या फेस फेस वो पूछ रही, चूल्हे के करीब जाने से होती है, बाहर निकलने से होती है, या बिला वजह हो जाती है? उनको कुछ ये बताइए, बिला वजह धूप से निकलो या जैसे भी हो ऐसे ही रेड हो जाती है, बाहर निकले या धूप में निकले, थोड़ी सी भी? अच्छा देखिए, ये रोजेशिया है। रोजेशिया में ऐसा होता है कि अगर ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके लिए भी इंटरनली मैंने दमासा बूटी का कहा है, वो आपने लेना है। रोजेशिया में ऐसा होता है कि आप मतलब कि अगर खुश हो तो भी रेड हो जाती है, अगर कोई स्ट्रेस हो जाए तो भी आपकी स्किन रेड हो जाती है, ठंड भी बर्दाश्त नहीं करती, धूप भी बर्दाश्त नहीं करती, तो एकदम से चीक्स रेड हो जाते हैं। तो इसके लिए देखिए, आप जो है ना, हमारी स्किन प्रोटीन से बनी है, आपने एग वाइट अच्छी तरीके से बीट करके लगाना है। आप कोई भी क्रीम लगाएंगी आपको फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। आपने सिर्फ एग वाइट यानी अंडे की सफ़ेदी को ठंडा करके रोज़ाना लगाना है एक घंटे के लिए। दमासा बूटी मैंने आपको बताया, उसका इस्तेमाल कीजिए। और मेरे अपने यूट्यूब पर भी रोजेशिया के लिए मैंने बहुत सारी हर्बल रेमेडीज डाली हुई है, उनको भी फॉलो कर सकते हैं आप। अच्छा, अंडे की सफेदी आपने बोला ठंडा करके, तो वो तो अगर हम बहुत देर उसको रख देंगे तो वो कुछ जम तो नहीं जाएगी कुछ ज्यादा? नहीं नहीं, बस बहुत अच्छा हो जाता है उसको अगर फ्रिज से निकाल के लगाए ना, वो ये चेहरे के ऊपर वो जम जाएगी। अच्छा, वो वैसे वो कॉलेजन होता है उसमें, वो पूरी एग वाइट में कॉलेजन और प्रोटीन बहुत ज्यादा है। अच्छा, की तरह लगता है। एक चीज बताइए कि आप अंडे की सफेदी को नेक्स्ट डे यूज कर सकते हैं? मुझे अगर आपने निकाल के रख लिया और एक अंडा जाया नहीं किया, या किसी बिल्कुल आप कर सकते, हैं। ठीक है जी, वाकेंट से कॉल है हमारे पास। अस्मा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगी अस्मा आप? बिस्मा, बिस्मा साहिबा जी, वालेकुम अस्सलाम, पूछिए। जी सॉरी, मैंने ये पूछना है कि मेरी बहन जब आड़ू खाती है तो उसकी स्किन पे एकदम रैश हो जाती है, मतलब रेड होती है उसकी स्किन। जब क्या खाती है? आलू। आड़ू, 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 आड़ू। तो बेटा उसको आड़ू से एलर्जी है तो नहीं खाए। सीधी सी बात है, अगर कोई हाँ नहीं, मैं सही वाली बात बता रही हूँ। देखिए, आपको, आप लकी हो, आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है किस चीज से आड़ू उसको नहीं पसंद, रिएक्ट कर, तो फिर नहीं खाए आड़ू। आड़ू नहीं खाने से आलू बोला था, आलू आलू से भी है तो आलू भी ना खाए। जिस चीज से भी एलर्जी को छोड़ दें, कभी कभी बहुत सी सारी से छोड़ सकते हैं। कई लोगों को पीनट से बहुत सवेर एलर्जी होती है आपको? हाँ बिल्कुल, हार्ट हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है, पीनट्स का तो बहुत बिल्कुल जा सकता है। अगर आपको बहुत सवेर पता भी है कि आपको इस चीज से एलर्जी है, आपकी बॉडी आपकी इम्यूनिटी को पसंद नहीं करती, तो उसको अवॉइड करना ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तानी है जो एलर्जी को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, बट आप दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपसे एलर्जी पूछता है। अच्छा, बच्चों के स्कूल में पूछता है एलर्जी हो, पता क्यों गई है? जो नेचुरल अल्लाह ने फूड बनाया है उसमें एलर्जीज का कोई खदशा नहीं था, लेकिन अब जो पेस्टिसाइड्स और जीएमओ और प्रोसेस्ड फूड और मॉडिफाइड जो फूड आया ना, नए तरह के, लोगों को वीट एलर्जी, मिल्क की एलर्जी। अब वीट से किसको, रोटी से किसको एलर्जी एक जमाने जिंदगी में कभी नहीं होती थी, ये न्यू एज बीमारियां हैं कि आप वीट लैक्टोस, वो यही चीजें हैं कि बहुत सी चीजें भी शामिल कर दी गई हैं। मेरे पास एक खातून आई थी, उनको डाई एलर्जी इतनी सीवियर थी, आंखें सूजी हुई थी, सब कुछ हेयर डाई से। आप यकीन करें, प्लीज डाई, अगर डाई एलर्जी है तो लगाने की क्या जरूरत है? नेचुरल बहुत सारी चीजें आप उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन खुदा रा काली मेहंदी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसमें भी केमिकल है। सारी जो मेहंदी लगा के आती है, एक तो उनका फिर बालों का हशर हो जाता है, वो डाई भी नहीं हो सकता मेहंदी वाले बालों में। बिल्कुल, और जिनको अब वो सैलॉन ओनर निकल के आ रही है, जिनको डाई से एलर्जी, वो अमोनिया फ्री डाई, अमोनिया फ्री है ना, वो बड़े अच्छे बेहतर। कुछ लोगों को अमोनिया फ्री डाई से भी एलर्जी होती है, तो वो नेचुरल की प्रोडक्ट, नेचुरल की तरह। ठीक है जी, नेचुरल डाई से रابطہ करें। अब बुरे वालों से कॉल है, मुकद्दस साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस जी, फरमाइए क्या कहेंगी आप? जी मैं बुढ़ेवाला से मुकद्दस बात कर रही हूँ, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैरियत से, आप ठीक हैं? मुझे बिल्कुल आपका से बात करनी है कि मेरे ना पप्पू का मसला है, मेरी जो लेफ्ट साइड की टांग है ना, लेफ्ट टांग जो है, दोबारा बोलिए, लेफ्ट साइड की जो टांग है उसमें क्या मसला? उसमें दर्द है, ज्यादा दर्द रहता है, और बाबू ने भी ये जो नेक वाले गर्दन वाले पट्टी है उनमें भी ये दर्द आपकी कमर तक जाता है दर्द, यानी आपकी कमर? हाँ जी, कमर तक, वैसे कमर में दर्द नहीं होता, लेकिन जब चलती हूँ ना उनसे चला नहीं जाता। अच्छा देखिए, मैं इसके लिए ना कल आपको, ठीक है सुन लीजिए, रख के चीजें
अर्कुनिसा का दर्द भी कहते हैं, लेकिन ये तो अब आदमियों को भी बहुत होता है जो स्कूटर के किक लगाते हैं ना, उसकी वजह एक वजह वो भी होती है। तो इसकी नेचुरल रेमेडी है 14 डेज की, वो आप कीजिएगा। और इसको डायग्नोज कैसे करेंगे कि आपको अर्कुनिसा है या नहीं, नहीं, वो भी मैं कल बताऊंगी। अच्छा, तो आप कल ये बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी रिलेटेड शाटिका भी होता है, जो कि जैसे ही डिलीवरी हो जाती है बच्चे की वो खत्म हो जाता है, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में औरतें शाटिका बर्दाश्त करती हैं। आई वाज वन ऑफ देम, और मुझे पता है कि वो आप उठ बैठ नहीं सकते, हालत बुरी हो जाती है। तो कल इस डॉक्टर साहब अपने शो में ये बताएंगी। फातिमा साहिबा की कॉल है, मैं चाहता हूँ आजान की तरफ बढ़ने से पहले हम एक दो कॉल कॉल शामिल कर लें। फातिमा पनु आकिल से बात कर रही हैं, क्या पूछेंगी फातिमा साहिबा, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर बिल्की साहिबा से पूछना चाहती हूँ कि मेरे चेहरे पर ब्लैक कलर के निशान आ जाते हैं, मैं जो भी क्रीम इस्तेमाल करती हूँ तो वो छाइयों की तरह यानी कि ब्लैक होते हैं, स्किन मेरा कलर बहुत फेयर है लेकिन वो निशान खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, आप प्लीज इसके बारे में। मुझे भी आ गई, ब्लैक कलर के निशान आ जाते हैं। किस चीज से? चेहरे पे, चेहरे कुछ भी जो क्रीम जो वो लगाती हैं उससे आते हैं, वो ये कह रही हैं। देखिए, अगर आप क्रीम लगा रही हैं आपको ब्लैक कलर के निशान आ रहे हैं, आप सिर्फ दही लगाएं, ठीक है, अपनी स्किन को हाइड्रेट करें, सारी चीज़ें छोड़ दें। बाज़ औक़ात हम इतने जद्दोजहद से क्रीमें लगा रहे होते हैं कि वो निशानात और ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी स्किन को पील करते चले जाते हैं। ठीक है, हाइड्रेट करें, थोड़े से स्किन को सांस लेने दें और नेचुरल उसकी तरफ आएँ। तो आप जो है ना दही का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 15 दिन दही का इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। और दही एक प्याला रोज़ाना खाएं भी। कल जावेद शेख साहब ने बताया था क्या नाम है अपना, पपाया एंड योगर्ट, विद योगर्ट बिल्कुल बेहतरीन रेमेडी है आपके लिए, आप खाएं भी वो लगाएं भी। अच्छा, एक चीज़ जो बिल्की साहबा ने यहाँ पे कही है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बहुत से इलाकों में इतनी सस्ती सस्ती दो नंबर क्रीमें जो है वो इतनी आम दस्तयाब है, और लड़कियों को ये कहा जाता है स्किन अच्छी हो जाएगी, गोरे हो जाएंगे, ये वो उल्टा उनकी स्किन उसमें होती मरकरी, मरकरी डलती है उससे टेम्प्ररी वाइटनेस आती है बट वो स्किन की लेयर डिस्ट्रॉय कर देती फॉर एवर, तो आपकी स्किन कभी वापस ठीक हो ही नहीं सकती। और जो तो अल्लाह ताला ने रंग दिया है उसमें सबर और शुक्र करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो गंदुमी रंग है इतना खूबसूरत दुनिया भर में, लोग टैन करते हैं खुद को धूप में बैठ के ताकि ये रंग मिले, तो प्लीज उसी को बेहतर करें, अपने रंग को साफ करें, स्किन टेक्सचर प्यारा करें अपना, तो आपकी स्किन अच्छी लगेगी। बस ये कोशिश करें कि जो भी आपका रंग है उसको आप फ्लरिश कर, हाँ उसको क्लीन इस सेंस में कहते हैं कि पैची ना हो, रंग पैची नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि नवाल मौजूद हैं, नवाल एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपनी कोई ब्यूटी टिप आप लोगों को देना चाहती हैं कि आप ये करती हैं तो जरा चेहरा उस दिन फ्रेश ज्यादा लगता है, कुछ बता दीजिए, खवातीन बहुत सुन रही हैं आपको। मैं बहुत रिलीजियसली तो कुछ नहीं करती, मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ और घर से निकलने से पहले सन ब्लॉक, और कभी अगर स्क्रबिंग करनी हो तो कोई कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करती हैं आप? इट्स डर्मावी। डर्मावी, ओके। It's for oily skin. I have oily skin. You have oily skin. Yes. So I think that's. और कोई ritual नहीं है मैं अपनी skin का, बस खाने में. खाने में. You eat healthy. You drink a lot of water. कुछ ऐसा होगा? I eat whatever I can. अच्छा. So it's very difficult. It's very difficult for me to. So देखिए, कम मेहनत करने से भी skin कितनी perfect है, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत क्रीमें थोपे या लगाएं. माशाल्लाह. Vegetables मैं सारे खाती हूँ. I think that. बिल्की साहब आगे लगानी चाहिए creams. आप इनके प्रोडक्ट्स लगाने तो माशाल्लाह ये खुश शक्ल भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पर देखें ऐसन, आप जब वहाँ पर थे हम यही बात कर रहे थे कि इनके अपने ब्रांड का ये उपटन है, बट इन्होंने वो सारी चीजें यहाँ बता दी कि इस तरह मैंने उपटन बनाया, आप खुद घर पे बना लें, तो ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह आपको इसका अजर दे इंशाल्लाह कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुस्कुराते भी बहुत हैं हमेशा, हर बात पे खुश रहती हैं, और खुश रहकर ही आपके चेहरे पर वो खुशी छलकती है, आप प्यारे लगते हैं। ठीक है जी, हमें चूंकि अजान की जाने बढ़ना है, आप लोग प्लीज तशरीफ रखिए, कराची और उसके मजाफात में अजान असर का वक्त हुआ चाहता है, आप सबसे गुजारिश है इंतहाई अदब एहतराम से, हर रोज हमें रिक्वेस्ट करते हैं अजान को सुनिए, अजान का जवाब दीजिए और नमाज भी जरूर अदा कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمین یا رب العالمین جزاک اللہ بہت شکریہ خوش رہیے اور جناب میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہاں پہ بلقیس صاحبہ کا بھی اور ان کے ساتھ نوال ہمارے ساتھ ہیں میں بلقیس صاحبہ ایک ریکویسٹ آئی تھی آپ کے لیے کہ آپ کا جو اینٹی ایجنگ سیرم ہے کوئی مجھے معلوم نہیں ہے اگر آپ کی نیچرلائز بناتے ہیں تو عروسا صاحبہ کے لیے آپ نے اسپیشل ایک گفٹ کرنا ہے عروسا علیق صاحبہ کے لیے جی ہماری جو اپنی عروسا صاحبہ ان کے لیے آپ نے گفٹ وہ ضرور کرنا ہے نوال کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے ہماری طرف سے فرام مہران اسپائسیز تاکہ آپ مزے مزے کے کھانے بنائیں گھر میں سارے مسالہ جات اس میں اب موجود ہیں اور بھی گفٹ ہے ہمارے پاس اور جو ہے نا نوال گفٹ لائیں گے ہمارے لیے یہ آفر مجھے اور آپ کو دینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں نے کہا بھائی میں یہ آنر آپ سے لوں گی میں نے کہا تھا میں آنر نہیں دینا چاہتی لیکن آپ احسن کو دینا رمضان کا گڈی لولی دیٹس سو سویٹ آف یو سچ بیوٹیفل گڈیز اور نوال مجھے ایک بات بتائیں یہ آپ کی اپنی پروڈکٹس ہیں یو سیل ایز ان وی کین بائی دیم ایز ویل یا دس جسٹ ا گفٹ نو 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 ہاؤ سویٹ فرام ا ڈیفرنٹ brands and then I make like goodie bags. How nice. I pray the good that you do for others approaches you as soon as you throw it in the sea. Nawal. Nawal, wonderful. Thank you so much, Nawal. Nawal, Pakistan ki, wo hamari TV ki actress hai, who is amazing. اور جتنی یہ اچھی اسکرین پر لگتی ہیں اتنی یہ پیاری آف اسکرین بھی ہیں اور میں ہمیشہ سب کو یہ بتاتی ہوں اور میں ہمیشہ ان کی تعریف بھی کرتی ہوں تو آئی ریلی لائک اٹ سچ میں مجھے بہت پسند ہے نواز ہنس رہے ہیں کہ رابعہ آج تعریفیں کر رہی ہیں کسی کی نہیں میں تو ویسے ہی ہنستا رہتا ہوں میرا چہرہ آپ میرا چہرہ ہی ماشاء اللہ ایسا کہ ہر وقت ہنستا رہتا ہے اللہ آپ کو ایسے ہی آمین اور ابھی ابھی آپ نے وضو کیا ہے نا تو اور نور آ رہا ہے چہرے پہ اچھا وضو میرا ویسے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو بھی عمران بھائی آپ بھی وضو میرا ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے پورا وقت جو ہے وہ وضو میں گزرے لیکن یہاں پہ پانی کیوں یہ کم ہوتا ہے اور پانی کو گرانا بھی نہیں چاہیے تو پھر اس کو میں ریفریش کو تیمم کہتے ہیں ایک مرتبہ کر لیتا ہوں پانی سے کم پانی کے ساتھ وضو کرتا ہوں کہ تاکہ وہ ایک برقرار رہے ٹل ہم افطار کرتے ہیں اچھا جی عمران بھائی جی بہت شکریہ آپ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں نا یہاں پہ عمران بھائی کہاں جا رہے ہیں واصل بھائی بھی یہاں موجود ہیں واصل بھائی بھی بلقیس صاحبہ کیا ہمارے پاس ایک منٹ ہے ایک سوال بلقیس صاحبہ سے لے سکتے ہو بلقیس ڈاکٹر صاحبہ سے لے سکتے ہو ایک سوال ایک سوال بلقیس صاحبہ آپ سے یہ ہے بہت ضروری سوال ہے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اس بات سے روزے میں خاص لیکن جینون سوال ہے ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن آنکھوں کے نیچے لوگوں کے ہلکے پانی کی کمی سے لتھاج ایک فیلنگ جسم میں لیزینیس آ جاتی ہے تو روزے میں اب یہ تو نہیں کہ آپ روزہ افطار کر رہے ہیں پھر آپ بس پڑ جائیں تو وہ جو ایکٹیونیس اور فریشنیس ہے وہ کیسے لانی چاہیے روزے کے اندر دیکھیے روزے میں یہ تو عبادت ہے نا
तो एक्टिवनेस अगर आप इसको सोचेंगे नहीं कि रोज़ा है, सवार नहीं करेंगे, हावी नहीं करेंगे, तो आप सही रहेंगे। अब हाइड्रेशन की बात हो गई कि आप क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि अब आ रही है गर्मियाँ। जी बिल्कुल। तो शरबत बजूरी को जो है ना, और डिटॉक्स ड्रिंक्स जो आपने बताई थी कल, डिटॉक्स ड्रिंक, लेकिन शरबत बजूरी आपके लीवर और किडनी दोनों को डिटॉक्स करेगा। ठीक तो है। आप दो ढक्कन जो आप लेंगे या दो चम्मच, ये शुगर फ्री होता है? जी शुगर फ्री भी मिलता है। ठीक है। डेढ़ लीटर पानी में डाल के अफतारी से लेके सहरी तक वो पिए। अच्छा, उसको बड़े जार में जो आपका पानी का बॉटल में डाल दें, बस। ठीक है, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा आपने इलाज किया डॉक्टर बलकीस साहब। थैंक यू सो मच जी नवाल, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द लक आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड कीप शाइनिंग ऑलवेज। वासिल भाई दिखा दें मुकम्मल जो आपका। जी वासिल भाई का भी काम मुकम्मल हो गया। अरे वाह वासिल भाई, माशाल्लाह। बताइए इसके बारे में वासिल भाई। इसका जो के मानी है, फास्कुरनी अस्कुकुम पस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। साफ साफ इंसान इंसान जो है ये फर्श पर अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह उसका अर्श पर जिक्र करता है। वाह वाह, कंपोजिशन है, आप देखिएगा यहाँ से ये लफ्ज इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, मुसलसल ये लफ्ज सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जिक्र हमें अल्लाह से जोड़ देता है। ये कोई ऊपर की तरफ है, मतलब इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं है, हम नीचे हैं और रब ताला की साथ वैसे तो हर जगह मुझे, लेकिन हमें हमारी बुलंदी की तरफ लेके जाता है अल्लाह का जिक्र। तमाम लफ्ज़ जुड़े हुए हैं। और फिर एक और बात इसके बारे में पढ़ाए थे कल, मैं पढ़ाया था कि अगर तुम मजलिस में जिक्र करते हो अल्लाह तुम्हारा मजलिस में जिक्र करता है, अगर तुम तन्हाई में जिक्र करते हो तो अल्लाह तन्हाई में जिक्र करता है। तो मैं सोचा था अगर हम लिख कर अल्लाह का जिक्र करें, अगर एक कदम हम अल्लाह की तरफ जाएं, वहां से दो कदम बढ़ते हैं, अगर हम चल कर अल्लाह की तरफ जाएं। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज है। और नवाल ने पकड़ा है, इमाम अली का नाम लिखा है वासिल भाई ने, जबरदस्त। हमारे सेट पे ये सारा दिन खूब नेकियों भरे काम होते थे। जनाब एक ब्रेक की जाने में बढ़ना है, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। امام شرف الدین بوساری علیہ رحمت کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام جی اور کیا واقعہ ہے لوگوں کو وہ بھی مختصرا بتاتے جائیے جب امام شرف الدین بوساری بہت بیمار ہو گئے جی اور فالج کا اثر ہو گیا تو قصیدہ بردہ شریف لکھا ایک رات سو رہے ہیں اور تاجدار کائنات طبیبوں کے طبیب واہ سبحان اللہ آپ نے کرم فرمایا خواب میں آپ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں بالکل اس قصیدے کا نام ہی چادر والا قصیدہ مشہور ہو گیا کیا بات ہے بسم اللہ اس کا ایک شعر جی روضہ رسول پاک کے اندر جانے کا جو راستہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اس پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے آمین آمین رب مل کر محبت سے مولایا صلی وسلم دائما آبادا مولایا صلی وسلم دائما آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم
آبادن علی حبیبی کا خیر لی کلی می محمد سید القونین و سقلین محمد سید القونین و سقلین محمد سید القونین و سقلین والفاری عین من عرب و من عجم مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً کیا بات خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتو واہ واہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتو ماشاءاللہ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا خلقی کلی یا اکرم الخلقی مالی من الوز بی یا اکرم الخلقی مالی من الوز بی سوا قائل ماشاءاللہ جزاک اللہ صدیق اسماعیل صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیشہ محفل میں آتے ہیں اور نور بھر جاتا ہے آپ کے آنے کی وجہ سے جزاک اللہ خوش رہیے آباد رہیے سلامت رہیے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر صدام صاحب نے السلام علیکم جناب خیریت سے آپ اور عمران الحق کلیانوی صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ موجود تقویٰ چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اگر آپ لوگ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے علماء کرام سے آپ لوگ سوال کیجئے آڈینس میں سے اگر کسی بھی چیز کے لیے کوئی وظیفہ چاہتے ہیں تو یہاں پہ عمران بھائی موجود ہیں صدام بھائی موجود ہیں آپ لوگ سوال بھی کر سکتے ہیں سوال کیجئے پلیز اپنا السلام علیکم وعلیکم السلام افشان ور ہے سوال میرا یہ ہے اگر روزہ رکھ لیا گیا ہے اور بیچ میں اچانک طبیعت خراب ہو گئی کافی زیادہ ایسا کہ بی پی ڈاؤن ہو گیا شوگر ڈاؤن ہو گئی اور اس صورت میں ضرورت محسوس ہو گئی کہ روزہ توڑا جائے
तो क्या ऐसा करना जायज़ है, और अगर रोज़ा तोड़ दिया गया है तो इसका क्या कफ़ारा होगा? जी, बीमारी की हालत में, इमरजेंसी की हालत में जब ये अंदाज़ा हो जाए कि वाकई शुगर बीपी डाउन हो गया, तो ऐसी सूरत में फ़ौरन रिस्क नहीं लेने चाहिए, और या तो हॉस्पिटल चले जाए करीब में हो, ताकि डॉक्टर अगर कोई ट्रीटमेंट देता है, दवाई देता है, दवाई ले लेनी चाहिए। उसका कफ़ारा कुछ भी नहीं है। रमज़ान गुजरने के बाद जब सहूलत सेहत अच्छी हो तो बस में कज़ा रख लें एक रोज़े की, बस उसका कफ़ारा नहीं होगा। ऐसा ही है सन्ना भाई, सही? उसकी कज़ा अगर ऐसी हालत हो गई, इमरजेंसी है, बिल्कुल मेडिकल कंडीशन है, तो फिर अगर विदाउट उज़र तो रोज़ा तोड़ने का गुनाह है, उनका फिर कफ़ारा है 60 मिस्कीनों को। ठीक है, बगैर उज़र के तोड़ने का गुनाह भी है, कफ़ारा भी है, लेकिन अगर वाकईतन बीमार हैं तो इजाज़त है। कॉल शामिल करेंगे जी। ताहिरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछेंगे आप ताहिरा साहब? ऐसा बेटा, ऐसा मैंने पहले भी कॉल की थी, तो मेरी कॉल का आप मुझे ना बाद में बंद करूँगी तो मुझे जवाब दीजिएगा। मैं बेटा पूछ रही हूँ कि मेरा ना साल बंद जब हो जाए फिर जवाब दीजिए। इमरान साहब से पूछना है कि मेरी बेटी है, उसके दाने निकलते फोड़े तकरीबन 3 साल हो गए हैं। मेडिकली बहुत इलाज कराया है, हर तरह के टेस्ट भी किए हैं, मेडिसिन भी हर तरह से उसने की है, लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं। एक हफ्ता है, 2 निकल आते हैं। इसका तकरीबन मौसम से भी कोई फर्क नहीं है, गर्मी हो सर्दी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो शुगर की डॉक्टर ने टेस्ट की, वो भी ठीक है, किसी किस्म का कोई नहीं आ रहा है। लेकिन परहेज भी हर चीज से वो करती है, लेकिन फिर वो दाने नहीं निकलने चढ़ते। 3 साल हो रहे हैं तकरीबन। 3 साल हो गए हैं। ठीक है जी, एक सवाल क्लियर था इमरान भाई, आपको कुछ थोड़ा सा आवाज़ में गड़बड़ भी थी, इसलिए सवाल अगर हम रिपीट भी कर दें इमरान भाई के लिए तो बहुत शुक्रिया। जो भी इनका मसला है, 3 साल से कह रही है मसला चल रहा है, दाने बहुत निकल आते हैं, मतलब गर्मी सर्दी हो कुछ भी। हाँ, अगर दाने का मसला है ना तो उसके लिए तो वैसे ये काली मिर्ची जो होती हैं, थोड़ी सी 11-12 मिर्चें लेकर जी, काली मिर्ची थोड़ा सा मुजाहदा तो हो कुछ दिन के लिए, उसके ऊपर जो है ना वो इसकी सूरह इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, ये 11 मरतबा पढ़ के उन काली मिर्चों पर डेरी दम करें और चबा के खा लें इसको। ये ठीक है, थोड़ा सा तेज़ ज़ायका होगा लेकिन खाएं, इंशाल्लाह इनको हफ्ते दो हफ्ते में रिजल्ट नज़र आएगा। पूरी बॉडी में भी कहीं भी किसी के एलर्जी है, कोई दाने हैं, फोड़े फुंसी है, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से वो तेज़ी से रिकवर हो जाएगी और चीज़ें जान छुट जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है इंशाल्लाह। और इमरान भाई से अगर आप रابطہ भी करना चाहते हैं, इमरान अल्लाह कल्याणी भाई से, तो इमरान भाई का फेसबुक पेज भी है, इनका इंस्टाग्राम भी है, डिटेल्स बहुत सारी सामने आ भी जाती है, तो आप इनसे रابطہ करके वजीफ़ा, अदरवाइज भी कोई ऐसी बात हो जो आप यहाँ शेयर नहीं कर सकते तो आप वजीफ़ा इनसे ले सकते हैं फ़ोन करके। बिल्कुल जी, इमरान बशीर भाई ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, खैरियत से आप? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। आज का हमारा टॉपिक तकवा है और तकवा किस तरह इख्तियार करना चाहिए, इमरान भाई मैं चाहूँगा आप भी बयान करें कुछ इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम तकवा की तफसीर हज़रत इमाम हसन हुसैन से पूछते हैं। पूछा गया कि सारे सहाबा ने तकवा आका अलैहिस सलाम के कदमों में बैठकर सीखा। आप वो दो हस्तियां हैं जिन्होंने आका अलैहिस सलाम के कंधों में बैठकर तकवा सीखा। वाह 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 वाह, तो ज़रा रहनुमाई फरमा दीजिए। तो हसनैन करीमैन की तरफ से जवाब ये मिलता है कि अल्लाह तारा नफ्सा का खैरा, तुम्हें अपनी खूबी नज़र ना आए, दूसरे की खामी नज़र ना आए, नजर तो समझ लेना कि तुम मुत्तकी बन गए। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की है इमरान भाई ने आते ही, कि दूसरे की आप खामियां तलाश ना करें, दूसरे की खामी अपने अंदर पहले तलाश करें और दूसरे की खूबी को देखा करें। बहुत खूबसूरत बात है। कॉल शामिल करेंगे यहाँ पर फतेह जंग से, हमारे साथ आतिफ साहब मौजूद हैं जी, क्या पूछेंगे आतिफ साहब आप? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सन भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम जनाब जी। भैया मैं उलमाए किराम से एक सवाल करना चाहता हूँ, और एक साथ आपके ये जो सना खान है सदीक इस्माइल साहब से भी मैं बात करना चाहूँगा। जी जी कीजिए, सदीक इस्माइल साहब भी हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सदीक इस्माइल साहब, आपका एक कलाम है कि बेखुद की ये देखते हैं अंदाज हिजाबाना, वो आप सुना दें तो। ठीक है इंशाल्लाह, अभी बिल्कुल जी, आज ही हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। उलमाए किराम से भी एक सवाल है जी, ये उलमाए किराम से ये सवाल है कि
ये जो इतकाफ के भी दिन आ रहे हैं तो पहले रोजे रखना इसके लिए जरूरी है या कि भाई अगर पहले रोजे ना रखे हों और तो वो बंदा भी इतकाफ में बैठ सकता है या कि सारे रोजे रखना जरूरी है या कि वो रोजे रखने जरूरी है जो इतकाफ में बैठ रखे? अच्छा, सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पहले रोजे ना रखे हों तो अगर किसी कोई वजह हो आप बताइएगा, अगर पहले रोजे छूट जाएं और फिर इतकाफ का वक्त आए तो उसमें वो इतकाफ में बैठना चाहता है तो बैठ सकता है, क्या कहेंगे? जी हाँ, उसमें इतकाफ में तो बैठ सकता है लेकिन उसकी बाद में कज़ा देना लाजिम है और बाकी है। इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन बाद में इंशाल्लाह उसकी कज़ा ज़रूर दे। ठीक है, क्या इतकाफ के दिनों में रोजे नहीं छोड़ेगा? अगर इतकाफ के जो दिन है उसमें अगर रोजा छोड़ दिया तो इतकाफ खत्म हो जाएगा। पहले अगर छूट चुके तो इतकाफ 10 दिन का जो मसनून इतकाफ है वो कर सकता है। अगर और यकीनन किसी वजह से ही छोड़े होंगे किसी ने रोजे, अगर किसी को इतना इश्तियाक हो रहा है कि एतकाफ है बैठेंगे और इबादत करेंगे तो जाहिर है वो एक रोजेदार शख्स ही होगा, उम्मीद तो है जी। अगली कॉल शामिल करते हैं, ऑडियंस में से कोई सवाल करना चाहता है तो पूछ लीजिए, जो भी सवाल है उलमा कराम जी उनको माइक दीजिए, प्लीज माइक दीजिए, सवाल करेंगे माइक क्विकली प्लीज। बेटा थोड़ा सा जल्दी माइक दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि मेरी वालदा जो हैं वो एतकाफ़ में बैठना चाह रही हैं लेकिन इशू ये कि मैंने सुना है कि एतकाफ़ में बैठने के लिए ज़मीन पे बैठना ज़रूरी है लेकिन वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकती, तो इस उसमें हालत में बेड इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, ज़मीन पे बैठ नहीं, वो बीमार, उनकी तबीयत ठीक है क्या, क्या हुआ? नहीं यानी घुटनों वगैरह में मसला है तो ज़मीन पर नहीं बैठ सकती, तो उसका अच्छा वैसे कोई ताल्लुक तो नहीं है लेकिन चले आप बताइए क्या कहेंगे सदा? इसमें यह है कि ऐसे कोई सच कंडीशन नहीं है कि ज़मीन पर ही बैठें, जैसे आप हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई वगैरह होती थी और बिस्तर होता था, तो उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, लोगों ने मे भी लगाई हो तो ऐसी कोई कंडीशन। क्या कहेंगे आप इमरान भाई इस बात? जी, एतकाफ़ के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, एतकाफ़ में बैठना मकसूद है कि अपने आप को अलग कर देना सारी इन चीज़ों। वो एतकाफ़ में बैठने का मतलब ये कि एतकाफ़ में चले गए जी, बैठना नहीं कि ज़मीन पे बैठे। अलबत्ता हसन भाई, मैं तकवा के हवाले से एक दो बड़ी अहम गुजारिश अर्ज करना चाहूँगा जो आज का हमारा मौजू है। कुरान पाक में ये 250 मरतबा तकवे का जिक्र आया जी, और जब भी खुतबा निकाह पढ़ा जाता है तो 5 मरतबा आका अलैहि सलातो वसलाम जो खुतबा पढ़ते थे, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ाती जी, 5 मरतबा तकवे का जिक्र करते थे कि मियाँ बीवी एक दूसरे की सारी ज़िंदगी खामियाँ ना देखें। बहुत अच्छी बात है इमरान भाई, बहुत खूबसूरत बात है। एक कॉल शामिल करेंगे, मेविश साहिबा हैं जी हमारे साथ आरिफ वाला से जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, आपका शो बहुत अच्छा है, हम रोज़ाना देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और ये शो सजता ही आपके साथ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उलमा कराम से सवाल ये है कि मेरा कि एक इंसान रोज़ादार खाना खा रहा हो भूल के, तो क्या दूसरा इंसान उसे बता सकता है कि आपका रोज़ा आप ना खाएं? जी भूले से, जी जी भूले से खा रहा हो तो उसमें 2 कंडीशन है, अगर कोई बुजुर्ग हैं बीमार हैं कि जिनको खाने की जरूरत है तो उसको खाने देना चाहिए, उनको रोजा रखना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं, पहले तो अगर खाना दे। नहीं नहीं, अगर इस कंडीशन में है कि रोजा रख सकते हैं और लेके चल सकते हैं, इम्कान है कि शायद मैं पूरा कर सकूँ तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, और अगर खाने वाला रोजा जो तोड़ रहा है जानबूझकर तो कोई नहीं तोड़ रहा, गलती से खा रहा है तो उसको बताना चाहिए कि भाई आपका रोजा अच्छा है। वैसे जो गलती कर रहा है उसको एक आधे नवाले में याद आ ही जाएगा, अगर नहीं याद आ रहा तो बता देना। पूरा खाना खा के भी याद नहीं आया कि मेरा रोजा था, अगर नहीं शायद ऐसी कंडीशन हो तो कल्याण भी क्या कहेंगे आप? हाँ, वो आपने जुमला कहा ना वो अच्छा लगा मुझे, अगर इतने बूढ़े बीमार को रोजे नहीं रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनको तो लेकिन यहाँ पे बूढ़े से मतलब ये कि कोई अगर थोड़ा ज़ईफ बीमार नहीं, अगर जवान भी है और मालूम है उसकी एनर्जी बहुत डाउन है, क्रिकेट खेल लिया था कुछ कर लिया था, वो घर में आया उसको भूल चुक हो गया, चुपचाप खाने में नॉर्मल रूटीन में लगा हुआ है, साहब में वालदा को पता है भाई इसका रोज़ा है लेकिन बहुत एनर्जी डाउन है इसकी, ऑफिस से आया थका हुआ है, अगर वो खा रहा है तो थोड़ा चुप लगा जाए कि एनर्जी आ जाए, इसमें ज़रूरी नहीं बूढ़ा ही हो, उस अच्छा बंदे की एनर्जी पर डर है कि अगर डाउन एनर्जी वाला है, बच्चा है उसने रोज़ा रखा भूल चुक से खा पी रहा है तो थोड़ा सा इग्नोर कर दें, जब उसकी एनर्जी थोड़ी बहाल हो जाए उसको बोल दें भाई रोज़ा है थोड़ा ख्याल कर लो। तो ये मैंने पहले बात वैसे सुनी नहीं कभी, लेकिन बड़ी आपने कमाल की आज बात बताई, कमजोरी कंडीशन, कमजोरी के लिए किसी को, ठीक है जी। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स भूल चुक कर खा पी लिया तो वो जैसे उसने खा लिया है वो खा लिया है, यानी फिर उसको ज़्यादा ये कह करना कुछ उल्टी करना ऐसा वगैरह कुछ नहीं है बस, और बाकी जो दूसरा उसके सामने अगर खा रहा है
तो अगर तो उसको उज़ुर है शरई उज़ुर तो उसका एहतियात करना चाहिए, साइड में एहतराम करना चाहिए। बाकी बल्कि ये तो मुझे याद पड़ता है मफ़हूम ऐसा है कि वो अल्लाह की तरफ से उसकी ज़ियाफ़त होती है, अल्लाह ने ही उसको खिलाया है, अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त होगी उसकी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वो सो गए रोज़ा रख के, उनको ख्वाब में ऐसा लगा वो कुछ खा रहे थे और अपनी पसंदीदा चीज़ें उनको ख्वाब में आ रही थी, और आगे पीछे ऐसे ख्वाब नहीं आते, रोज़े में ख्वाब आते हैं ज़्यादा। सदीक साहब रावलपिंडी से एक कॉल है, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगा। सर एक कॉल शामिल कर लेते हैं, मोहम्मद उस्मान, क्या पूछेंगे आप जी? मोहम्मद उस्मान अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, आपका प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं, बहुत प्यारा लगता है हमें, यकीन माने बड़ी कोशिश करें कॉल मिलाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज कॉल मिल गई है। बहुत तो जनाब, बहुत शुक्रिया पसंद करने का, बहुत मेहरबानी आप लोगों की। मेरा राबिया भाजी को भी सलाम। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बीमार बंदा अगर बेड पे है, उसको खिलाने के लिए कोई नहीं, अगर हम रोजे की हालत में है, क्या उसको हम खिला रहे हैं, क्या हम हमारा रोजा तो नहीं वो मतलब तार हो सकता है, इस बारे में मालूमात नहीं? आप तो उनको खिला ही रहे हैं ना, उनको खुद थोड़ी खा रहे हैं, तो इससे आपका रोजा तो बीमार आदमी को खिला रहे हैं ना, आप यही बोल रहे हैं ना? जी 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 जी, हम रोजेदार हैं सर। अच्छा, इसमें तो वैसे बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बड़ा एक आई थिंक कॉमन सेंस की बात है, लेकिन आम तौर पे लोग ये ज़रूर समझते हैं कि किसी रोज़ेदार के सामने खाना खोल लेना या किसी को खिला देना खा लेना तो आपके रोज़े के लिए सही नहीं है, तो क्या कहेंगे इमरान भाई इसमें? आप किसी उज़र की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहे, हाँ तो कोशिश करेंगे रोज़ेदारों के सामने अपना खाना पीना ना करें। कोई बुज़ुर्ग बंदा उनको हाथ से तोड़ के खिलाना है किसी को, वो एक अलग बात है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप किसी उज़र की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहे जी, तो आप लोगों के सामने ना खाएं, ना खाएं, इंजॉय ना करें, आपको शरीर ने इजाज़त दी है तो अलग से खाएं। अलबत्ता एक बीमार आदमी है और घर में आप उसकी टेक केयर कर रहे हैं तो आपका हक बनता है कि उसको खिलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रोज़े को उसमें। ठीक है सदीक साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे प्लीज़? बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जो गुफ्तगू हो रही है जी, तो अब मुझे भी एक फरमाइश आई है। बिल्कुल सर, आपकी फरमाइश तो हजरत बेदम शाह वारसी जी अलैह रहमत का कलाम के चंद अशआर। बिस्मिल्लाह चंद अशआर सुनाइए प्लीज। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्ले अला नबी किए देते हैं अंदाज़े जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े जाबाना जी, दिल पे तुझे रख लो। सदीक साहब माइक चेंज कीजिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाह माजत जी जी जी, बेखुद किए देते हैं माशाल्लाह अंदाज़े जा चश्मे करीमाना, बस इतना करम करना ऐ चश्मे करीमाना, माशाल्लाह ऐ चश्मे जब जान लबों पर हो माशाल्लाह तुम सामने आ जाना या रसूल अल्लाह,
जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे अपना जब तुमने सदीक साहब बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ जिन्होंने फरमाइश की उन्होंने इस कलाम को सुना भी होगा और ये बहुत ही मारूफ मशहूर कलाम है जो हमेशा सदीक इस्माइल साहब पेश करते हैं यहाँ पे। जनाब तकवे का जिक्र हम कर रहे हैं आज और तकवा किस तरह इख्तियार किया जाए, यानी अल्लाह ने जब बार बार तकवा इख्तियार करने की ताकीद की है, रसूल खुदा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार ये फरमाया कि तकवा इख्तियार करो, तो इसके लिए किस तरह से हमें तैयार रहना चाहिए? सद्दाम भाई आप क्या कहेंगे? जी तकवा और रमज़ान का और रोज़े का एक गहरा ताल्लुक है। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 183 में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं इस तरह जिस तरह तुमसे पहली कौमों के लिए फ़र्ज थे। और फिर आखिर में रोज़े का मकसद बता दिया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यानी और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में कि मन लम यदअ क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही वल जहल फलैस लिल्लाहि हाजतन फी अन यदअ तअमहु व शराबहु। कि जो शख्स रोज़े की हालत में बुरी चीज़ें, झूठ बोलना और बुराई करना और जहालत की बातें करना और उस पर अमल करना ना छोड़ दे, तो अल्लाह ताला को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, यानी यही तकवा है कि आप रोज़े की हालत में बुराई के काम छोड़ दें और बेहयाई के काम छोड़ दें और नेक अमल करते रहें। और कुरान में एक और आयत में सूरह हूद में फरमाया इन्नल हसनाती युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां जो हैं वो गुनाहों को मिटा देती हैं। तो हमें नेक अमल करना चाहिए, तकवा यानी अल्लाह ताला से डरना चाहिए और परहेजगारी इख्तियार करनी चाहिए। ठीक है, कुछ वाकयात अगर टाइम रहा तो फिर जी जी बिल्कुल। इमरान कल्याणी भाई से भी हम पूछेंगे। इमरान भाई बड़ी लोग डिटेल्स देते हैं तकवा इख्तियार करना है, यानी कि एक वाकया जो मुझे याद आता है कि हज़रत उमर और हज़रत काब का एक वाकया है कि उन्होंने पूछा कि किस तरह से तकवा क्या है, किस तरह बचा जाए। तो उन्होंने वो जो एक मिसाल देकर कहा कि अगर एक रास्ते से आप गुजरे और उस रास्ते में कांटे भी हों और भी चीज़ों, आप किस तरह बचेंगे? उन्होंने कहा मैं अपना दामन बचाने की कोशिश करूँगा। तो यही एक तरीका है अच्छाई की तरफ जाने का, क्या कहेंगे आप? देखिए रोज़े के अंदर प्रैक्टिकली अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक सिखाया जाता है कि हलाल है हमारे लिए खाना पीना पानी सब कुछ, लेकिन इंसान को सिर्फ रोज़ा और खौफ खुदा एक वो चीज़ रोकती है, हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं जी। तो ये कितना भी गुनाहगार इंसान क्यों ना जब रोज़ा रखता है उसमें कहीं ना कहीं वो जीरो पॉइंट से एक वो प्लस पॉइंट की तरफ जाने लगता है कि कोशिश कोशिश। हाँ, ये अल्लाह ताला उसको एफर्ट करा ही देते हैं कि अगर रोज़ा रख लिया तो उसकी प्रैक्टिस उसको आगे ले जाएगी कि जब वो हलाल चीज़ को अल्लाह की रजा की खातिर छोड़ रहा है, पूरे दिन ना खा रहा है ना पी रहा है, तो इंशाल्लाह बेहयाई से भी गुनाहों से भी बचता रहेगा और अल्लाह पाक उसको नेकी की तरफ रागिब कर देंगे। तो खुद रोज़े का जो मकसद है ना भूखा प्यासा रहने से, वो अल्लाह पाक उसके अंदर एक रूहानी एनर्जी भी बूस्ट कर देते हैं कि फिर वो खुद ब खुद नेकी की तरफ माइल होता है, रागिब होता है। तो इसलिए तकवा वो एक ऐसी चीज़ है कि इंसान ये कोई भी परफेक्ट नहीं कह सकता अंबिया अकराम अलैहिस्सलाम के अलावा कि हम जी कामिल मुत्तकी हैं, लेकिन कोशिश रब ताला तो कोशिश ही देखता है। तो इसलिए अल्लाह पाक कोशिश शुरू करा दे, कोशिश हम जारी रखें हमें तकवा अख्तियार करने की। जी इमरान भाई किस तरह से हम कोशिश जारी रखें? और अल्लाह चूँकि इंसान परफेक्ट तो है नहीं, ये हम सब जानते हैं, गलती का पुतला ये भी कहा जाता है और इंसान से गलती बाहर
होती भी है और अल्लाह को बहुत पसंद है अगर हम उससे माफ़ी मांगते हैं, बार बार रजू करते हैं और उसका फ़ज़ल होगा तो हमारी यकीनन बख्शिश होगी। इसमें किस तरह कोशिश की जाए नेक आमाल करने की, किस तरह से हमें मिसाल मिलती है, आप बताइए प्लीज़। एक तो अपने ऊपर ना जब भी गुनाह हो जाए, तकवा से मैं लफ्ज़ी तर्जमा है गुनाहों से बचना, परहेजगारी, जब भी कोई गुनाह हो जाए तो अपने ऊपर कोई जुर्माना मुकर्रर किया जाए। अच्छा, ये कैसे है ज़रा इसके बारे में मुझे थोड़ी डिटेल बताए कि गुनाह हो जाए क्या ऐसी प्रैक्टिस से तो लोग फिर ये नहीं करेंगे कि गुनाह अब कर लिया तो ठीक है अब जुर्माना अदा करना। नहीं नहीं नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर गलती से ना चाहते हुए हो जाए। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, जब हमारे एक बुज़ुर्ग थे दुबई में इकट्ठी हमारी फैमिली के साथ, उनका रहना था, एक दफ़ा कुरान हाथ में पकड़ के कहने लगे, तिलावत कर रहे थे, 25 साल हो गए मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई, 25 साल हो गए हैं मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। मैंने पूछा कैसे ये तौफीक मिली, कभी किसी गैर औरत पे नज़र नहीं पड़ी, यहाँ तक उन्होंने अपने तकवे का बताया, हालांकि दुबई में टिकटिंग के शोबे में। कहने के जब गलती होती किसी चीज़ में सुस्ती होती तो मैं 2 दिरहम सदका निकालता। अच्छा, फिर 2 दिरहम सदका निकालता, अपने ऊपर जुर्माना लगाता कि तूने क्यों गलती की है। अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है कि अल्लाह ने पक्की पक्की तौफीक अता फरमा दी। अच्छा, कुरान पाक की आयत है, इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। जो इंसान दिल से इरादा कर लेता कि मैंने मुत्तकी बनना है, तो जब भी गुनाह की दावत या गुनाह की तरफ जाने को दिल करता है तो वो अल्लाह को पुकारता है, फिर अल्लाह उसकी ज़रूर रहनुमाई करते हैं। वाह, इसमें असल बात जी, छोटा सा एक वाक्या का, उमर के दौर में ऐसे ही शख्स को गुनाह की दावत दी गई और यही आयत पढ़ी उन्होंने जो मैंने अभी तिलावत किया और बेहोश हो गए। अच्छा, फिर जब दोबारा वालिद साहब के सामने पेश हुए, वालिद साहब ने पूछा क्या हुआ, फिर दोबारा यही आयत पढ़ी, फिर बेहोश हो गए और फिर ऐसे बेहोश हुए कि फिर होश ना आया, अल्लाह के पास पहुंच गए। अल्लाह हु अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस मौके पे कहा, वली मन खाफ़ मकाम रब्बिही जन्नतान ज़वाता अफनान, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसको दोहरी जन्नत अता फरमाते हैं। उनकी कब्र पर जाके ये कहा तो आगे से गैब से आवाज़ आई कि ए उमर, रब ने इस तकवा की बुनियाद पर इनको दोहरी जन्नत अता फरमाई। पर अल्लाह अकबर, क्या ही बात है जी। एहसन भाई, वो जो आप सवाल पूछे थे उसको एंडोर्स भी करना चाहूँगा, जो वाकया ये था कि जैसे सहाबा कराम भी आपस में तकवा को डिस्कस करें, जैसे आज हम तकवा को डिस्कस करें, समझने की कोशिश करें तो क्या है, तो सहाबा कराम भी आपस में बैठे थे, हर कोई बोल रहा था तकवा की क्या डेफिनेशन है। तो सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि कारी अल कुरान है, उन्होंने कहा कि तकवा ये है कि अगर हज़रत उमर से पूछा कि अगर आप किसी खारदार जगह से गुजरते हैं, किसी जंगल से गुजरते हैं, तो आप कैसे गुजरेंगे, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने कपड़े उठाकर और अपने कदम फूंक फूंक कर गुजरूंगा। तो हज़रत उबई बिन काब ने कहा यही तकवा है, यानी गुनाहों से बचकर फूंक फूंक कर कदम रखना, कदम यही रखना ही तकवा है। कॉल शामिल करेंगे यहाँ पे जी, नासिर साहब है हमारे साथ मानसरा से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, क्या पूछेंगे आप, फरमाइए नासिर साहब जी। मुझे नासिर साहब आपकी माजत चाहते हैं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आपकी कॉल में कोई डिस्ट्रैक्शन है, आप अपना सवाल हमारे पास लिखवा दिया करें जब आपकी कॉल कनेक्ट होती है, अपना सवाल आप सब लोग अगर लिखवा दें क्योंकि एट टाइम्स यहाँ पे कॉल थ्रू नहीं होती जी, आवाज़ नहीं आ रही, माजक साहब। अच्छा जनाब, ऑडियंस में से किसी के पास कोई सवाल है, वो लाल टी शर्ट में जो भाई बैठे हैं वो सवाल करना चाह रहे हैं, इनको माइक दीजिए, क्या पूछेंगे आप मेरे भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा उलमाए कराम से ये सवाल है कि अब बंदे ने सहरी की है, सहरी करने के बाद वो लेटा है तो उसको नींद आ गई, नमाज के वक्त उसकी आंख नहीं खुली, सुबह उसकी आंख खुली है, तो क्या उसका रोज़ा हो जाएगा। तो उसने सहरी क्या 3 बजे कर ली है, सहरी कर ली अचानक बस सो गया तो उसकी तो सहरी के साथ ही तो अजान हो जाती खत्म करते करते, तो वो किस वक्त 4 बजे। अच्छा, उसने सहरी कर, ये आपका जाती तजर्बा है मेरे भाई, या वैसे आप एक सवाल जी मेरे साथ आपके साथ हुआ, आपने कितने बजे सहरी की। मैंने तकरीबन 4 बजे सहरी कर ली थी, उसके बाद मुझे नींद आ गई, फिर तो 4:15 अच्छा कभी कभी हो जाता है, जैसे कल। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने भी किसी को देखा कि उन्होंने कहा 5 मिनट रह गए नमाज में तो उन्होंने आंख लगाई, तो शायद आंख लग जाती है। क्या कहेंगे जी इसके बारे में, इमरान भाई आप क्या कहेंगे। देखिए, इस्तिगफार किया जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए कि अल्लाह गलती, रोज़ा तो हो जाएगा, नमाज को कज़ा कर ली। ठीक है, आप क्या कहें। मेरा ये ख्याल है जैसे नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है, ठीक है, जैसे वो सहरी के लिए ही उठे थे ना, तो वो
जैसे हम सहरी के लिए जबान से अल्फाज निकालना लाजमी नहीं है, नहीं है, ये कहीं हदीस में नहीं है, नहीं है। तो जैसे वो सहरी के लिए हर इंसान उठता है तो उसकी नियत किस लिए होती है? वो नाश्ते के लिए नहीं उठ रहा, नींद कबूल होगी उसकी नियत, नींद हो गई, गालिब हो गई और किसी ने उठा ना सके, लेकिन उसने सहरी की नियत से उठा और सहरी की, तो इंशाल्लाह उसका रोजा हो जाएगा। लेकिन नमाज कज़ा, लेकिन ये कि नियत होनी चाहिए दिल में कि मैंने सहरी की नमाज का, वो पूछे क्या करें नमाज का, तो बेशक फिर कज़ा भी पढ़नी पड़ेगी अगर रोजा हो गया उसमें। देखिए हदीस पाक का एक बड़ा प्यारा सॉफ्ट कॉर्नर में मुझे याद आ रहा है, वो आम जो प्रैक्टिस में नमाज पढ़ने वाले उनके लिए है कि जो रूटीन में नमाज पढ़ते हैं अगर वो कोई सो गया, मन नामा अल नसिया, इसलिए लफ्ज़ आते हैं सो जाए या भूल जाए नमाज पढ़ना, उसकी कज़ा फिर जब उसको बाद में जागेगा या उसको याद आएगी तो उसकी कज़ा हो जाएगी। तो यानी ये भी हदीस शरीफ में रिलैक्सेशन दिया गया है, जान बूझ के ना सोए, सो गया इंसान इख्तियार में उठना तो उसमें कोई गुनाह नहीं, रोजा हो जाता है। कंफ्यूजन होगी, वो समझ रहे होंगे कि हम अजान से पहले वो दुआ नहीं पढ़ी, तो ये दुआ मसनून नहीं है। और जैसे इफ्तारी और नमाज, अच्छा नमाज एक फ़र्ज इबादत है, रोज़ा भी हम पे लाजिम है, ये दो अलग अलग इबादतें हैं, लेकिन यकीनन इनको जमा करना भी ज़रूरी है। और नमाज तो फ़र्ज़ है, अगर छूट भी गई तो बाद में कज़ा कर लेंगे, और इंशाल्लाह ऐसी गलती अल्लाह ताला भी जानता है कि ये गलती दोबारा रिपीट भी नहीं होगी। ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, बहुत से सवाल आते हैं हमारे उलमा कराम से, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इमरान भाई आपका, सत्ताम भाई आपका, सिद्दीक इस्माइल साहब आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और इमरान बशीर भाई आपका भी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमज़ान पाकिस्तान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Rumzan Pakistan, Rumzan Pakistan.
माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन जारी और सारी है। उम्मीद करता हूँ जहाँ जहाँ भी हैं खुश हैं और बहुत अच्छे से आपके ये रोज़े हमारे साथ गुजर रहे हैं। ये खूबसूरत आयत जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गोल्ड के पन्नी से लिखी गई, वासिल भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखी कि रब ताला कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। वासिल भाई मुझे बताइए कि ये खूबसूरत अंदाज क्या हमने पहले कभी देखा है? इसको हम खताती की ज़ुबान में कहते हैं कि ये सऊदी अंदाज है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। चूँकि हम इंसान जिक्र जो अल्लाह का करते हैं वो फर्श पे बैठ के करते हैं जी। तो अर्श पे हमें याद करता है, पस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। और वो फिर आगे ये है कि इसकी वजाहत में कि अगर तुम मजलिस में जिक्र करोगे तो मैं फरिश्तों के महफिल में जिक्र करूँगा, अगर तुम तन्हाई में जिक्र करोगे तो मैं भी तन्हाई में याद करूँगा। और वासिल भाई ये भी कहा जाता है कि अपनी महफिलों को अल्लाह के जिक्र से आबाद रखो। बिल्कुल। और मैं सोचा था कि अगर तुम लिख कर जिक्र करते हो तो तुम्हारा भी जिक्र वहाँ पर लिखा जाएगा। और इसमें खास बात ये कि अल्लाह के जिक्र का बुनियादी मकसद जो है ना वो अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की कुर्बत है, जो कि शौक और मोहब्बत इश्क के बगैर मुमकिन नहीं है। और खताती का काम भी आप देखते हो जाना, ये जब तक मोहब्बत ना हो, अल्लाह की तरफ से तौफीक ना हो, उसका इश्क नसीब ना हो, ये मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात वासिल भाई ने यहाँ की। और ये खूबसूरत आयत है और क्या ये खूबसूरत अंदाज है वासिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बुशरा बिलाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और यूनिवर्स की जानिब से, कोलगेट की जानिब से और मेहरान के गिफ्ट हैम्पर बुशरा बिलाल साहबा, हमारा माशाल्लाह पीटीवी का बहुत अच्छा नाम है, पाकिस्तान का नाम है, बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपका कलाम ज़रूर सुनें। आइए जी, तशरीफ़ लाइए। तो है जो कोई तो है जो
माशाल्लाह बशरा बिलाल साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पढ़ा और एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। यूनिवर्स कोलगेट और मेहरान की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भी हैं। वासिल भाई आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, सद्दाम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये बुशरा बिलाल साहब, आपने बताया नहीं कि आपके साथ कौन बैठे हैं, ये माइक में बोलिए। मेरे हस्बैंड बिलाल शब्बीर जी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे मालूम है, थैंक यू वेरी मच जी। और जनाब हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा साथ दिया, हर रोज़ साथ देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार से हमारे शो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमसे रब्ता करें, हमारे शो में आए, तो हमारे नंबर्स भी PTV के मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ लाइव आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। और PTV के इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, PTV का फेसबुक फॉलो कीजिए और PTV को टिकटॉक पर भी फॉलो कीजिए। ये तमाम प्रोग्राम और इसके तमाम क्लिप्स जो हैं आपको उस पर दिखाई देते हैं। बशर्ते जिंदगी, आपसे कल मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले सार में, रमजान की रहमत आ जाए किरदार में। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। खुशियों को आजाद करो, खल्क खुदा को देखो, अल्लाह या